बड़े सौभाग्य का विषय है। 13 नवंबर से 17 नवंबर तक उज्जैन नगर में, महाकाल की पावन नगरी में, विशाल 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा एवं 84 महादेव के दर्शन की यात्रा का आयोजन रखा गया है। बिटले सेवा समिति द्वारा इस पावन आयोजन में 5 दिवस में 84 महादेव का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाए। उज्जैन नगर ही एक ऐसा नगर है जहां पर महाकाल बाबा अपनी बहन छिप्रिया के साथ में विराजमान है। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए महाकाल बाबा ने यहां पर 84 रूप रखे हैं। पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर केवल एक जगह ऐसी है जहां पर 84 महादेव के रूप में भगवान शंकर उज्जैन नगरी में विराजे हैं, छिप्रा के तट पर। इस पूरी पावन आयोजन में आप सब परिवार आयोजन में पधारें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ऐसा पुनीत आयोजन पूरे विश्व में पहली बार 84 महादेव की परिक्रमा, दर्शन और यात्रा का कथा का रखा गया है। इसका शुल्क मात्र 2100 रुपये है 5 दिवस का, जिसमें रहना, भोजन, चाय, नाश्ता और 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज यात्रा के लिए रखा गया है। आप सभी इस पावन आयोजन में पधारें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। 13 नवंबर से 17 नवंबर तक। सभी को जय श्री कृष्ण। करूं तो करूं क्या, सत्य कहां महाराज, सत्य कहीं। और जीवन का एक सत्य है और वो है मृत्यु, वो कोई नहीं टाल सकता। कोई टालेगा? अरे राजा परीक्षित के बेटे जनमेजय ने कांच के महल में अपने पिता को रख लिया, कांच के महल में, चारों तरफ कांच लगा है। और जन्मेजय ने कहा एक मक्खी भी अंदर नहीं जाना चाहिए, चींटी भी अंदर नहीं जाना चाहिए। जन्मेजय ने ऐसा महल बनवाया, अपने पिता को अंदर रखा, पिताजी अंदर रह रहे थे, सारी व्यवस्था उनके लिए कर दी, पूरा विद्वत्त से आनंद से एक व्यवस्था करी गई। अब तक्षक नाग को लगा कि मैं आखिर अंदर जाऊं तो जाऊं कैसे। तब तक्षक नाग अनार की टोकनी में एक अनार के अंदर प्रवेश कर जाने लगा। इतने में जन्मेजय ने एक व्यक्ति टोकरी लेकर जा रहा था, अनार लेकर अंदर जा रहा था, उससे पूछा कहां जा रहे हो? ये अनार लेकर जा रहा हूं, महाराज को भूख लग रही होगी, उसके लिए भोजन के लिए उन्होंने बुलवाया है। जन्मेजय ने कहा रुको, अनार जल लाओ, पिताजी के लिए अनार नहीं जाएगा, अनार का जूस जाएगा, क्योंकि अनार में अगर नाग चले गया तो, तक्षक नाग अगर पहुंच गया तो। अब शायद पहली बार फल का जूस जन्मेजय ने बनाया होगा अनार का, मेरे हिसाब से। उसके बाद बलगांव वालों तुम लोगों ने बनाया हो तो बात दूसरी है, पर अनार का पहला जूस तो शायद जन्मेजय ने बनाया। अब जूस बनाया और जूस बनाकर एक कपड़ा लगाकर गिलास के अंदर और उसमें जूस को डालकर छान लिया। छान कर अब उसमें तक्षक नाग है तो वो अगर निकल भी, अब केवल पानी पानी, लिक्विड लिक्विड, वो भी छना हुआ, सात कपड़ों से छना हुआ अनार का जूस पिता जन्मेजय अपने पिता परीक्षित के लिए भेजे हैं महाराज। सोचो उसके बाद भी तक्षक नाग अंदर पहुंच ही गया और परीक्षित को डसी लिया। कहां से पहुंच गया? जो गिलास जा रहा था जूस का, उस गिलास के नीचे जो किनोर थी उस किनोर में छुप कर चले गया। ले उसने अनार में से निकाला तो गिलास की फेंदी में, गिलास के नीचे, पहले गिलास होते थे उसमें नीचे किनोर होती थी। आप लोगों किसी किसी के यहां होंगे ऐसे गिलास, पहले लंबा गिलास होता था उसके नीचे किनोर होती थी, उस किनोर के अंदर छुप कर गया है, उसमें छुप कर चला। मृत्यु सत्य है और वो सत्य ही रहेगी, मृत्यु कभी नकारी नहीं जा सकती, मृत्यु सत्य है। गौ माता कह रही है
महाराज ब्रह्मा जी को शिष्य दिखाया, भगवान शंकर प्रकट हुए और आकाशवाणी करी भगवान शिव ने, ये गौ माता झूठ बोल रही है, ये गाय झूठ बोल रही है, ये जितना भी कर रही है गौ माता झूठ कर रही है, गाय कह रही मैं झूठ नहीं बोल रही, शंकर कह रहे हैं गौ माता तूने झूठ बोला है, ए गौ माता तू जगत की मां होकर मेरे सामने झूठ बोली है, शंकर के शिवलिंग के सामने झूठ बोली है, मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर जिस मुंह से तूने झूठ बोला वो अपूज्य माना जाएगा, तेरा मुंह नहीं पूजाएगा, तूने झूठ बोला। इसलिए शास्त्र रीति से हिंदू धर्म की रीत से गौ माता के पूरे शरीर को पूजा जाता है पर मुख को नहीं, गाय जिस मुख को अपने मुख को बर्तन में लगा देती है उस बर्तन को 7 दिन तक गंगा जल भरकर रखना पड़ता है, 5 बार राख से मांजना पड़ता है, 3 दिन फिर गंगा जल भरकर रखना पड़ता है, तब अग्नि में तपाना पड़ता है, तब जाकर उस बर्तन को घर में काम में लिया जाता है पर भगवान के काम में नहीं आता। गाय अगर किसी बर्तन को मुंह लगा दे, महाराज इसलिए राजस्थान मारवाड़ में एक रीति है कि हर दरवाजे पर मारवाड़ के राजस्थान के घर पर घर के बाहर एक छोटा सा पत्थर का कुंडा रखा रहता है, एक छोटा सा कुंडा, उस कुंडे में घर के लोग उसी में भोजन डाल देते हैं, उसी में पानी डाल देते हैं और गाय उसको खाकर चली जाती है, बर्तन नहीं लगाया जाता क्योंकि गाय ने झूठ बोला, असत्य बोली है गौ माता तो झूठ कह रही, तूने झूठ बोला है। और गौ माता ने एक बार झूठ नहीं, 2 बार झूठ बोला, एक बार शिव के सामने, दूसरी बार राम जी वन को गए और गया नदी के क्षेत्र में फाल्गु नदी के तट पर भगवान राम स्नान करने के लिए गए, सीता जी स्नान करने के लिए गईं, इतनी देर में दशरथ जी आकर खड़े हो गए और दशरथ जी ने कहा राम मेरे प्राण छूट चुके हैं, राम मुझे पिंड दे दो। राम जी ने कहा पिताजी पिंड बनाने के लिए तो अन्न चाहिए, चावल चाहिए, अक्षत मेरे पास में नहीं, चावल मेरे पास में नहीं, आप कल आकर पिंड लेकर जाना, मैं कल पिंड दूंगा। दशरथ जी कहते हैं बेटा कल मुझे पिंड जरूर दे देना, नहीं तो मैं नरक चले जाऊंगा। दशरथ जी ने इतना कहा और राम जी महाराज दूसरे दिन भिक्षा मांगने के लिए गए, सीता जी दूसरे दिन स्नान करने के लिए गईं, इतने में दशरथ जी फिर आकर खड़े हो गए, बहुरानी मुझे पिंड दो नहीं तो मैं नरक चले जाऊंगा। सीता जी बोली पिताजी पिंड तो तुम्हारा बेटा देगा, मैं बहु होकर पिंड कैसे दे सकती हूँ और मेरे पास तो कोई सामान भी नहीं है पिंड बनाने का। दशरथ जी कहते हैं जानकी अगर पिंड नहीं देगी तो मैं नरक चले जाऊंगा, जल्दी मुझे पिंड दान दे। सीता जी ने तुरंत अपने ब्राह्मण को बुलाकर कहा ब्राह्मण देवता मेरे ससुर को पिंड देना है, आप बताओ मैं क्या करूं। ब्राह्मण ने कहा एक काम करो, ये बालू रेत का पिंड बनाओ, और बालू रेत का पिंड बनाओ और इस पिंड को बनाकर एक पिंड ब्राह्मण को, एक पिंड गाय को, एक पिंड फाल्गु नदी को और एक पिंड दशरथ जी को दे दो। दिया गया पिंड लेकर दशरथ जी चले गए, थोड़ी देर बाद राम जी आ गए। राम जी ने कहा सीता ले चावल पिंड बना लो। सीता जी बोली महाराज जी पिंडदान तो मैंने कर दिया, ना मानो तो ब्राह्मण से पूछ लो। राम जी ने ब्राह्मण से पूछा ब्राह्मण देवता क्या सीता जी ने पिंडदान कर दिया। ब्राह्मण ने राम जी के हाथ में चावल देखे तो झूठ कह दिया ब्राह्मण ने, राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी की आंख में आंसू भर गए और माता जानकी रोते हुए बोली ए ब्राह्मण पिंडदान तूने करवाया और तू झूठ बोल रहा है, ए ब्राह्मण जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तो कितना भी जोड़ लेना हमेशा तेरे यहाँ कमी ही पड़ेगी। सीता जी ने फिर हाथ जोड़कर कहा गौ माता आप बोलो आपके सामने पिंड दिया, एक पिंड का भाग तो आपको दिया। गौ माता ने सोचा बालू रेत का पिंड मुझे दिया, क्या मेरा पेट भराएगा। गौ माता ने कहा राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा, सीता जी ने श्राप दे दिया। गौ माता तू जगत की माँ होकर झूठ बोलती है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा।
गाय को यहां भी श्राप लग गया। फिर सीता जी ने फाल्गु नदी से कहा, ए फाल्गु तू तो बोल, ए गया नदी तू तो बोल कि मैंने पिंडदान करा। फाल्गु नदी ने सोचा मेरी बालू रेत उठाकर मेरे ही नदी में डाल दी, इसको कोई पिंडदान करते। सीता जी के सामने फाल्गु नदी ने कह दिया, राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी ने श्राप दे दिया, ए गया नदी ए फाल्गु नदी मैं तुझे श्राप देती हूँ, जब तक तुझे खोदे नहीं तब तक तुझे में पानी निकले नहीं। अगर आप में से कोई गया जी गया होगा तो उसको मालूम होगा पूरी नदी पर बालू रेत जमी होती है, इतना खोदो तब उसमें पानी निकलता है, तब लोग उसमें पिंडदान करते हैं। गया जी ने पूरी बालू सीता जी का श्राप, तब सीता जी ने आखिरी में अपने पिता दशरथ जी को बुलाकर कहा, पिताजी आप कहिए मैंने पिंडदान करा कि नहीं करा। दशरथ जी का हाथ निकलकर गया नदी में फाल्गु नदी के बीच में से बाहर आया, उस पर पिंड रखा हुआ देखा, और जब पिंड देखा राम जी ने उसको छू लिया, छूते से ही पिंड पत्थर का हो गया, हाथ भी पत्थर का हो गया। आज भी गया नदी के बीच में दशरथ जी का वो हस्त कमल है जिसपे पिंडदान करने के लिए लोग जाते हैं, आज भी वो हाथ है। गौ माता तूने झूठ कहा। दशरथ जी कह रहे हैं भगवान शिव की आकाशवाणी हुई, गौ माता तूने झूठ कहा है। इसलिए हिंदू धर्म की रीत में कन्यादान आगे से, वस्त्रदान आगे से, स्वर्णदान आगे से, भूमि दान आगे से, अन्नदान आगे से, सारे दान हिंदू धर्म में आगे से होते हैं, केवल एक गौ माता का दान पीछे से। नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। दोनों हाथों से से, केवल एक दान गौ माता का वो पीछे से क्या पकड़ कर किया जाता है, पूंछ। और जिस दिन गौ माता का दान दिया जाता है उस दिन गौ माता की परिक्रमा आदि लगाई जाती है, पीछे से चालू कर कर नीचे से निकल कर वापिस पीछे आ जाता है, वापिस पीछे सामने नहीं जाता। अगर गौदान करते समय आगे से परिक्रमा कर दी जाती है तो हमारे पूर्वजों में किसी ने अगर गौ माता का दान दिया होता है तो वह दान का फल समाप्त हो जाता है। इसलिए गौ माता का जब दान दिया जाता है पूंछ पकड़कर, तो दान करने के बाद पीछे से परिक्रमा प्रारंभ करके गाय के नीचे से निकलकर पीछे आया जाता है।
पर गाय के सामने नहीं जाते, झूठ बोला है। सोचो जरा, गौ माता ने झूठ बोला तो वो उसके सम्मुख में नहीं जाते, और अगर मनुष्य झूठ बोले तो भगवान उसको मिल पाएंगे? अरे बोलो तो सही। दिन भर ऐसा कोई दिन नहीं रहता जिस दिन वो दिन में एकाध दो बार मोबाइल पे झूठ नहीं बोलता, और आशा लगाकर बैठा है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैंने खूब दान करा है स्वर्ग मिलेगा, मैंने खूब पुण्य करा मेरे को स्वर्ग मिलेगा, मैंने खूब अच्छा काम किया स्वर्ग मिलेगा। एक बार दिल पर हाथ रखकर देखना और अपने चित्त चित्त प्रवृत्ति में, अपनी वृत्ति में याद कर कर देखना कि कभी दिन भर में एकाध बार झूठ बोला कि ना बोला। अगर झूठ नहीं बोला होगा तो ये पक्का है कि आपको स्वर्ग जरूर मिलेगा, और अगर दिन भर में एकाध बार मुंह से झूठ निकला है तो फिर वो कहे। एक बड़ा सुंदर व्याख्यान है गरुण इसमें शिव महापुराण में, एक कौवे को हंसनी पसंद आ गया। किसको? बोलो जम के बोलो, कौवे। और कौवा हंसनी को अपने घर ले आया। अब कौवा हंसनी को घर में लेकर आया, हंसनी जिस दिन से घर में आई हंस को लगा मेरी हंसनी को कौवा ले गया, मेरी हंसनी को कौवा लेकर गया। अब इतना दुख, इतना दुख। अच्छा, ईमानदारी की बात तो यह है कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी अगर कोई पूर्व में था तो कौन था? पुराने समय का सबसे सुंदर पक्षी कौन सा था? कौवा। सबसे सुंदर पक्षी कौन सा था? अरे बोलो जमके, कौआ। तो कहो गुरु जी, अभी तो कौआ तो काला, एक आंख से देखे उसकी तो एक आंख भी फूटी हुई है, और बड़ा बुरा बोलता है, ये कोई अच्छा है? परंतु शास्त्र उठाकर देखोगे तो दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौआ। इतना सफेद, इतना सफेद, इतना सुंदर, इतना सुंदर कि बगुले भी उसके आगे फीके थे, इतना सांप, इतना सुंदर हंस भी उसके सम्मुख में फीका। इतना पर एक बार जब गया सुर राक्षस की छाती पर, कौन सा गयासुर? गया जी, गयासुर राक्षस की छाती पर जब ब्राह्मण यज्ञ करने के लिए बैठे, ब्रह्मा जी ने यज्ञ को जब करवाया, क्योंकि गयासुर जहां से निकल कर जाता था उसका पुण्य बड़ा प्रबल था, उस पुण्य की प्रबलता के कारण लोग उससे घबराते थे, था असुर राक्षस था पर पुण्य की प्रखरता। करा क्या जाए तो कहा यज्ञ करना है, यज्ञ करने के लिए क्या करा जाए? तो कि यज्ञ करने के लिए अगर मनुष्य यज्ञ करता है तो यज्ञशाला को गाय के गोबर से लीपता है, और अगर देवता यज्ञ करते हैं तो यज्ञशाला को अमृत से लीपते हैं। कैसे लीपते हैं? अमृत। अब अमृत का पता कौन लगाएगा? तो भगवान संतों ने बुलाया कि एक काम करो, सबसे सुंदर पक्षी है कौआ, इस कौए को भेजा जाए अमृत का पता लगा कर। कौए से संतों ने कहा तुम जाओ और जाकर अमृत का पता लगाना, पर कौए देव एकाग्र देव आपसे निवेदन है, आप अमृत का केवल पता लगाना पर अमृत को झूठा मत करना, क्योंकि यज्ञशाला को लिपने के लिए झूठा थोड़ी ना चाहिए। कौआ गया और कग्र देव बड़े सुंदर, अति सुंदर कहा हुआ, और कौआ उड़ता उड़ता गया, जाते जाते 8 दिन कौआ लगातार अमृत का पता लगाते लगाते एक जगह पर पहुंचा जहां पर कौए को अमृत दिख गया, पर भूख इतनी लग रही थी, प्यास इतनी लग रही थी कि कौआ करे तो करे क्या। तो कौए ने अमृत का पता लगा लिया, तो कौए ने सोचा एक काम करूं, थोड़ा सा बहुत भूख लग रही है, अमृत पी के चल चलता हूं।
और कौवे ने अपनी चोंच उस अमृत को लगा। अब कौवे ने अमृत को चोंच लगाई और चोंच लगाकर कौवा चले गए। देवताओं से जाकर कहा, महाराज हमने अमृत देख लिया है, वहां रखा हुआ है। पर देवताओं ने पूछा, कौवा तू बड़ा प्रसन्न दिख रहा है, 8 दिन में व्रत करते करते तेरा तो मुंह उतर जाना था, पर तेरे चेहरे पर तो चमक है। कौवा बोला, संतों क्या करूं, बहुत भूख लग रही थी, बहुत प्यास लग रही थी, अब करता क्या, इसलिए मैंने अमृत में चोंच लगा दी। अमृत में चोंच लगा दी, संतों ने श्राप दे दिया, रे कग्रदेव एक कौवे हम तुझे श्राप देते हैं कि तू काला हो जाए, क्योंकि तू श्वेत है तो तेरी बुद्धि विपरीत चली, काला हो गया। तूने अमृत में चोंच लगाई है हमारे से बिना पूछे, तेरी वाणी कर्कश हो जाए। कौवे की वाणी भी कर्कश हो गई। कौवे तूने बिना पूछे अमृत में चोंच लगाई है, देवताओं के कार्य को बिगाड़ा है, तो पूज्य नहीं होगा, केवल 16 दिन श्राद्ध में पूज्य माना जाएगा, क्योंकि अमृत का पता लगाने गया था। तो महाराज बड़ा सुंदर था कौवा, ऐसा नहीं है कि नहीं था। हो कहते हैं ना, बचपन में तो तुम भी घने सुंदर थे, वो तो धीरे धीरे समय ऐसा आता गया। पहले तो जो बच्चे जन्मते हैं सब कृष्ण ही होते हैं, पर दुनिया की बागडोर संभालते संभालते, परिवार को संभालते संभालते, कब भेरू बन जाते हैं पता ही नहीं पड़ता। सब कृष्ण से भेरू बन जाते हैं काम करते करते, जिंदगी है पता क्या चल। बोलो हर हर जीवन। अब कौवा हंसनी को ले आया, हंस को लगा, मेरी हंसनी को कौवा ले गया। हंस वकील के पास गया, वकील साहब मेरी हंसनी को दिलवा दीजिए, दुनिया जानती है कि हंसनी हंस की होती है, कौवे की कभी नहीं होती, पर कौवा मेरी हंसनी को ले गया, आप मुझे दिलवा दीजिए। वकील ने कहा, एक काम करो, अदालत में केस लगा दो, हंसनी तुम्हारी हो जाएगी। हंस ने अदालत में केस लगाया, कौवे को मालूम पड़ा कि हंस ने अदालत में केस लगाया है। कौवा अपने वकील के पास गया, वकील कुछ भी हो जाए पर यह हंसनी मेरी होना चाहिए, कभी हंस की नहीं होना चाहिए। वकील ने कहा, कौवे पागल हो गए, हंसनी हमेशा हंस की रहती है, कभी कौवे की नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए, पर हंसनी को मेरी बनाना, आप कुछ करिए। ठीक है, वकील ने कहा, एक काम करो, अगर हंसनी को आपको अपनी बनाना है तो आपको जज के घर जाकर थोड़ी सी रिश्वत देना पड़ेगी, अगर जज आपकी रिश्वत में आ गया तो हंसनी तुम्हारी बने, बस इतना ही काम। हाँ, कौवा रात को जज के घर गया, कौवा रात को जज के घर गया और जज के घर जाकर बोला, जज साहब व्यक्ति की 7 पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में, या तो कौवा जानता है या ब्राह्मण जानता है, इसलिए श्राद्ध में दोनों को खिलाया है। व्यक्ति की 7 पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में, या तो ब्राह्मण जानता है या कौवा जानता है, इसलिए श्राद्ध में दोनों को खिलाया जाता है। महाराज मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं कि आपके दादा परदादा आपके पूर्वज सब वैकुंठ में बैठे हुए हैं, सिंहासन पर सोने के लेटे हुए हैं। कौवा बोला, जज साहब अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे, कल अदालत में हंसनी को मेरी बना दोगे, तो मैं तुम्हें जीते जी तुम्हारी 7 पीढ़ी के दर्शन करा दूंगा वैकुंठ में बैठे हुए। जज ने सोचा, जीते जी मेरे दादा परदादा से मिलने का मौका मिल रहा है। अदालत में जज कुर्सी पर बैठा, सवेरे बैठते ही सारी सुनवाई कर जज ने निर्णय दे दिया, हंसनी हंस की नहीं, हंसनी तो कौवे की है। पूरी अदालत त्राही त्राही करने लगी, सब गालियां देने लगे जज को। जज ने कहा, कौवे मैंने अपना काम कर दिया, अब तू अपना काम कर। कौवे ने कहा, चलिए जज साहब, जज साहब आगे आगे, कौवा पीछे पीछे जज चलता गया।
पीछे पीछे गांव से बाहर निकले, खेड़े से बाहर निकले, और खेड़े से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंच गए, जहां जंगल में कौए ने जज से कहा, उतरो जज साहब गाड़ी से नीचे उतरो। जज गाड़ी से नीचे उतरा। जज जैसे ही नीचे उतरा, इतनी बदबू आ रही थी, जज ने मुख पर रुमाल रख लिया, एक रुमाल मुंह पर रखा। जज ने कहा, कौए तो मुझे कहां ले आया, आओ तो जज साहब आओ। और आगे लाया और जज साहब को बुलाकर कौए ने कहा, जज साहब ये जो मरा हुआ कुत्ता पड़ा है, इस कुत्ते के पास में जो सफेद वाली इल्ली पड़ी है, वो तुम्हारे परदादा जी। और सुनो जज साहब, वो कुत्ते के पास में जो छोटे छोटे कीड़े दिख रहे हैं, वो तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी माताजी। जज साहब बोले, तू तो कह रहा था कि मेरी सात पीढ़ी वैकुंठ में है, फिर ये नरक में क्यों दिखा रहा है। जज कहता है, तूने नरक में मेरी सात पीढ़ी को क्यों दिखाया। कौआ कहता है, जज साहब जिस समय मैंने कहा था आपकी सात पीढ़ी वैकुंठ में थी, पर जैसे ही आपने अपनी कुर्सी पर बैठकर एक झूठ बोल दिया, आपकी सात पीढ़ी नीचे उतरकर नरक में पड़ गई। महाराज सात पीढ़ी नरक में पड़ी। अब सोचो, जज एक झूठ बोला है तो उसकी सात पीढ़ी नरक में जाकर पड़ी है। आप दिन भर में कितना झूठ बोलते हो, तो आपके दादा परदादा कहां पर मिलने वाले, विचार करिए कहां प्राप्त हो। शिव महापुराण की कहती है, कथा कहती है, सत्यमय, और जिसका जीवन सत्यमय होगा उसको शिव मिल जाएगा, और जिसको शिव मिल गया उसका जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। इसलिए शंकर को क्या प्रिय है, जम के बोलो, सत्य प्रिय। सत्यम शिवम कोई ऐसा देवता बता दो जिसके सिर पर तीन रेखाएं नहीं हो। तिलक में तीन रेखा। ब्रह्मा जी को कितनी लगती है, त्रिपुंड। शंकर जी को कितना लगता है, त्रिपुंड। भगवान नारायण को कितना लगता है, त्रिपुंड। दो सफेद एक लाल, ऐसा कोई देवता बताओ जिसको त्रिपुंड नहीं लगता। तीन रेखा, सत्यम शिवम सुंदरम। पर दुनिया के लोगों ने सत्य को मिटा दिया, शिव को मिटा दिया, सुंदर बनने के लिए घिस के एक लगा दिया। अपन जिससे सुंदर दिखे वे सत्य लक लगा। और शास्त्र कहता है सत्यमय लगाइए, शिवमय लगाइए, सुंदरता पे मत जाइए। अगर आपके जीवन में सत्य है, आपके जीवन में शिव है, तो आपका जीवन आप रूप सुंदर बन जाएगा। सुंदर बनाने की देरी नहीं लगेगी। गौ माता ने झूठ कह दिया, शंकर जी ने श्राप दे दिया, तू तेरा मुख आपूज्य रहेगा। गौ माता तू झूठ बोली है, तेरा मुख आपूज्य रहेगा, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा, पर तेरा मुख नहीं पूजा जाएगा। आपूज्य ब्रह्मा जी बोले, ये आकाशवाणी झूठी है, ये गाय झूठ नहीं बोल रही, आकाशवाणी झूठी है। इतना तो सुनना था। भगवान शिव की शिवलिंग में से आवाज आई, ब्रह्मा अभी भी मान जाओ तुम झूठ बोल रहे हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं झूठा नहीं, ये आकाशवाणी झूठी है। और एक बात याद रखना, तुम किसी भी मंदिर में झूठ बोलोगे चल जाएगा, और शंकर के मंदिर में, शिव कथा में, शिव पंडाल में, शंकर के ओटले पर, शंकर के मंदिर में अगर झूठ बोला तो व्यक्ति का बुढ़ापा तड़प तड़प के निकलता है। इसलिए पहले के जमाने में अदालत नहीं होती थी, पहले के जमाने में पंचायत नहीं होती थी, पहले के जमाने में अदालत नहीं होती ना पंचायत होती। पहले के जमाने में बस गांव के लोग एक बात कहते थे, चल शंकर जी के मंदिर में उठा ले गंगा जल। सही है कि गलत है, शिव मंदिर में चल और गंगा जल उठा ले और बोल दे मैंने ऐसा नहीं करा। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोगों को शिव महापुराण का ज्ञान था, और वो कहते थे कि शंकर के मंदिर में, शंकर के ओटले पर, शंकर के चौखट पर अगर झूठ बोला जाएगा तो जिंदगी नरक हो जाएगी। इसलिए सब मंदिर में झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शंकर के दरवाजे पर झूठ ना बोलिए। शिव के मंदिर में, शंकर के ओटले पर, शंकर के मंदिर में अगर झूठ बोला तो जिंदगी नरक है। सत्य बोलिए।
उठा गंगा जली, और गंगा जली उठाना मतलब गंगा जली काय में शंकर की जटा में, गंगा जली उठाना मतलब शंकर को हाथ में उठा ले, शिव को हाथ में उठाया। और झूठ ना सत्य, शंकर भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो, ब्रह्मा जी बोलते हैं आकाशवाणी झूठी है। शंकर को क्रोध आ गया, बाबा भोलेनाथ ने उसी समय अपने पैर के अंगूठे के नखून को तोड़ लिया, और शंकर भगवान ने नख तोड़कर, भगवान शिव ने अपने पैर के नखून का नख तोड़कर फेंका, और फेंकते ही उससे एक भगवान शिव का ही अंश काल भैरव प्रकट हो गया। क्या प्रकट हुआ जम के बोलिए, काल भैरव प्रकट हो गया। और काल भैरव प्रकट हुआ, भगवान शिव ने कहा भैरव जाओ, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। इस ब्रह्मा का जिस मुख से इसने झूठ बोला है उस मुख को काट। काल भैरव ने जाकर, ब्रह्मा झूठ बोल रहा था, भगवान शंकर ने जिस काल भैरव को अपने पांव के नख के अंगूठे से प्रकट करा, काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली के नख को तोड़ा और फेंक कर ब्रह्मा जी को मार दिया, तो ब्रह्मा जी का सिर कट गया। ब्रह्मा जी का सिर कटा, रक्त की धार बहने लगी, और शंकर भगवान शिव के सामने झूठ बोला हुआ वो सिर कटकर लुढ़कता गया, लुढ़कता गया, रक्त की धार बह रही है, रक्त बह रहा है। और ब्रह्मा जी के उस कटे हुए सिर से जो रक्त की धार बह निकली, उस रक्त की धार से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम है कर्मनाशा नदी। कौन सी नदी है जम के बोलिए, कर्मनाशा। लखनऊ से काशी के बीच में 14 किलोमीटर की यह नदी है कर्मनाशा, अगर नेट पर सर्च करेंगे तो वो 20 किलोमीटर की निकलेगी। यूपी गवर्नमेंट ने इस नदी के घाट पर लिख रखा है, इस नदी में हाथ ना धोइए, पांव ना धोइए, स्नान ना करिए। भारत की भूमि की केवल एक नदी है कर्मनाशा, जिसमें पक्षी भी पानी नहीं पीता, कुत्ता भी मुंह नहीं डालता, वो कर्मनाशा है। क्यों? क्योंकि ये कर्मनाशा नदी में अगर भूल से भी कोई हाथ डाल दे तो उसकी 7 पीढ़ी का करा हुआ सारा पुण्य नष्ट हो जाता, सारा पुण्य चला जाता, पुण्य छिन जाता। महाराज कितनी बड़ी बात है, कर्मनाशा नदी जो बहती है 14 किलोमीटर की, अगर इस गांव वाले, ये गांव के लोग अगर उस गांव में रिश्ता पक्का करते हैं ना नदी के उस पार, तो वो उस पार रिश्ता अगर करते हैं तो इस गांव के जो विद्वान लोग रहते हैं जिनने कभी यज्ञ अनुष्ठान कथा भागवत कीर्तन कभी सुना हो, कराया हो, पढ़ा हो, तो इस गांव के लोग उस गांव में कभी नदी पार करके भी नहीं जाते, भले नाव में जाएंगे पर नदी पार ही नहीं करेंगे, हमारे पुण्य का नाश हो जाएगा, हमारे पुण्य चले जाएंगे। केवल एक कर्मनाशा नदी भारत की भूमि पर एक ऐसी है जिसमें आपने एकादशी करी हो, सोमवार का व्रत कराओ, मंगलवार का व्रत कराओ, कभी उद्यापन करा हो, कभी तुमने गौदान करा हो, अन्नदान करा हो, वस्त्रदान करा हो, कभी भागवत पुराण कराई हो, कथा कराई हो, तीर्थ गए हो, व्रत करा हो, कोई से भी उद्यापन करे हो, कितने भी मंदिर गए हो, अगर कर्मनाशा नदी का एक बूंद पानी भी अपने शरीर को छू जाता है तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है, सारा पुण्य गया, फिर वापिस करो कर्मनाशा। इसलिए पूरी कर्मनाशा नदी के तट पर यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं, ये कर्मनाशा है, इसमें हाथ ना धोइए, ये कर्मनाशा है, इसमें पांव ना डालिए, ये कर्मनाशा है, इसमें पानी ना पीजिए, ये पुण्य को छिन्न कर दिया, पुण्य नष्ट करें। आप लोगों में से किसी ने दर्शन करें कर्मनाशा के, कर्मनाशा पुण्य को छिन्न करती है। ब्रह्मा तुमने झूठ बोला, ब्रह्मा जी के झूठ बोलने के कारण जो रक्त बहा
उस रक्त से कर्मनाशा प्रकट हो गई। भगवान विष्णु शंकर जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले भगवान विष्णु ने शिव जी की आराधना करी, हे बोले कृपा करिए शिव। ओ मेरे भोले नैना तो खोड़ो, दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। अरे दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। ओ मेरे भोले नैना तो खोलो, ओ मेरे भोले दोनों हाथ से तो खोलो। भगवान विष्णु के साथ आप भी भगवान शिव की आराधना करिए बड़े भाव। बड़े आनंद में जो नहीं बजाता पड़ोसी का पाप निकल के तुम में भरा जाए, इसलिए ट्रांसफर करिए। Thank you.
भोले के त्रिशूल बिराजे, हाथ भोले के त्रिशूल बिराजे, हाथ भोले के त्रिशूल बिराजे, हाथ भोले के त्रिशूल बिराजे। ए तांग देखा तो एक बार दोबारा फिर आऊंगी, ए तांग देखा तो एक बार दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी। अरे दर्श दिखा दो एक बार दोबारा फिर आऊंगी, अरे दर्श दिखा दो एक बार दोबारा फिर आऊंगी, अरे दर्शन दिखा दो एक बार दोबारा फिर आऊंगी, अरे दर्शन दिखा दो एक बार दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी। हर हर महादेव हर। भगवान शिव की कथा कर रही, ओगड़दानी की कथा वर्णन कर रही है महाराज। शिवलिंग के स्वरूप का कोई और कोई छोर नहीं है महाराज। हमारे घर में भी शंकर भगवान का शिवलिंग हो, जिसके घर में शिवजी का शिवलिंग रहता है उसके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती है महाराज। फिर वही वाली बात आ गई, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल। अगर शिव की आराधना कर रहे घर में, परंतु एक बात है, घर में भगवान शंकर की जो भी मूर्ति हो, चाहे शिव की हो चाहे किसी भी देवी देवता की मूर्ति हो, पर एक अंगुष्ठ से बड़ी नहीं होनी चाहिए। कितनी जम के बोलिए, जैसे ये जमीन से बस इस अंगूठे को खड़ा कर लो, इससे बड़ी मूर्ति घर में नहीं हो। अगर इससे बड़ी मूर्ति हमारे घर में होती है तो उसको सेवा की जरूरत मंदिर जैसी पड़ती है। कैसी सेवा चाहिए फिर? मंदिर। अगर इससे छोटी मूर्ति है तो आप उसको शक्कर का भोग लगा दो, खड़ी शक्कर रख दो, मिश्री रख दो, गुड़ रख दो, तुम्हारी मर्जी पड़े कैसे भी कपड़े पहना दो। अगर छोटी मूर्ति है तो भगवान को कैसे भी आप घर में रख सकते हो, पर इससे जहां मूर्ति बड़ी हो गई तो उसको बड़ी सेवा की जरूरत पड़ती है। और हमेशा याद रखो, शिवलिंग घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग होता है वो कभी पोला नहीं होना चाहिए। वैसे तो हिंदू धर्म की शास्त्र रीति कहती है कि घर में कोई भी मूर्ति पोली नहीं होना चाहिए, किसी भी मूर्ति को पोला नहीं होना। लक्ष्मी जी हो तो ठोस हो, गणेश जी हो तो ठोस हो, देवी देवता लड्डू गोपाल कृष्ण राम सीता कुछ भी तुम्हारे घर में हो तो वो पोले नहीं होना, अंदर से खाली नहीं होना चाहिए। जो मूर्ति घर में पोली होती है उसके घर में एक रुपए कमाओ सवा रुपए खर्च वाला काम चलता रहता है, कभी जिंदगी में पैसा नहीं जोड़ता, घर पोला की पोला ही रहता है। कितना भी तुम कमा कमा कर लाओगे तो भी घर में दिखेगा। और किसी किसी के घर में अगर मूर्तियां अगर ठोस है, मूर्ति अंदर से अगर भरी हुई है तो अगर दो रुपए भी कमाएगा तो घर में बचत दिखेगी, और अगर घर में मूर्ति पोली है तो कितना भी कमाएगा वो खाली की खाली ही दिखेगी। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर में बरकत नहीं दिखती है, मेरा पति कमाता, बेटा कमाता, बड़ा बेटा कमाता, खूब कमाता, पर घर में पैसा नहीं दिखता, घर में पैसा नहीं दिखता, तो टिके कहां से? जरूर तेरी तिजोरी में, जरूर तेरी पूजन में कोई लक्ष्मी जी की मूर्ति या गणेश जी की मूर्ति या किसी देवता की मूर्ति पोली होगी, इसलिए घर में लक्ष्मी टिक नहीं रही, घर में पैसा बन मूर्ति। कैसी मूर्ति होना चाहिए? जम के बोलिए, ठोस, पोली नहीं होना चाहिए। तो महाराज पोली मूर्ति का क्या करें? तो कुछ मत करो, मेन लाओ बाजार से,
राल लाओ या मेन लाओ, कुछ भी मेन लाकर मोम लाकर, वो मोम नहीं होता, उस मोम को पिघलाकर उस मूर्ति के अंदर भर दो। पर मूर्ति ये नहीं कि अपने को पोली है तो घर से बाहर निकाल, उसको ठोस, उसको ठोस। अगर मूर्ति पोली रहती है तो दो क्रम होते हैं, एक तो लक्ष्मी नहीं टिकती, दूसरी घर में कोई ना कोई व्यक्ति एक ना एक बीमार पड़ा ही रहता है। एक ठीक होगा दूसरा बीमार पड़ेगा, दूसरा ठीक हुआ तीसरा बीमार पड़ेगा। मतलब डॉक्टर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हफ्ते में महीने भर में पैसा जाना है, जाएगा, रुकेगा नहीं। महाराज बोला मूर्ति की ठोस, मूर्ति खाली नहीं होनी। ये उसी में का क्रम है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का कोई काम नहीं बन रहा, बहुत परेशानी आ रही है, कोई सीए का एग्जाम दे रहा है, कोई बड़ा एग्जाम दे रहा है, नौकरी में बैठ रहा है, सर्विस करने जा रहा है, पर बन ही नहीं रहा, बार बार हार रहा है, बार बार फेल हो रहा है, कुछ मत करो, एक जौ के आटे की रोटी बनाओ और उस पर काली तिल्ली रख लो। क्या रखना है? जौ के आटे की रोटी, उस पर काली तिल्ली, थोड़ा सा गुड़। और जिस व्यक्ति एग्जाम में बैठ रहा है, चाहे सीए का एग्जाम दे रहा हो, चाहे कोई एग्जाम दे रहा हो, या किसी भी रूप में कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहा हो, नहीं हो रहा है उसका काम, तो जौ के आटे की रोटी पर काली तिल्ली गुड़ रखकर दरवाजे पर खड़े होकर गाय के मुख में दे दीजिए और काम के लिए निकल जाइए, उस काम में फतेह हो जाएगी। हारेगा नहीं, पास हो जाएगा, जीत जाएगा, उसको प्रखरता प्राप्त हो जाएगी। एक घर की ठोस मूर्ति प्रखरता देती है, और एक गौ माता को दी हुई जौ की रोटी, काली तिल्ली और गुड़ के साथ वो प्रखरता। ये उसी में कहा है, जैसे जिसको संतान नहीं होती, पुत्र नहीं होता, उसके लिए क्या करते हैं, आंकड़े की सफेद आंकड़े की जड़, उस जड़ को शंकर जी के मंदिर में 3 दिन तक रखकर शहद और घी चढ़ाया जाता है, दूध दही चढ़ाया जाता है, और बाद में उस 3 दिन उठाने के बाद में उसको नारी के कमर पर बांध दिया जाता है। 7 दिन रजस्वला पूर्ण होने के बाद तो मात्र 3 महीने के अंदर नारी का गर्भ ठहर जाता है, फिर उस जड़ को निकालकर ठंडा कर दिया जाता है। ये उसी में शिव कथा कह रही है। महाराज भगवान शंकर के मंदिर का आनंद सुख, शिव भगवान की आराधना का सुख, अगर घर में कोई मूर्ति हो तो वो केवल अंगुष्ठ के बराबर, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी। छोटी की प्रियता का सुख है। आगे वर्णन किया गया है, भगवान शिव विराजमान है और तभी भगवान शंकर के विराजमान होने पर देवऋषि नारद आज तप करने के लिए बैठे हैं। और देवऋषि नारद का जो तप की प्रधानता है, वो इतना प्रखर तप देवऋषि नारद जी ने करा है कि कामदेव की समाधि, अर्थात कामदेव नारद की समाधि तक नहीं तोड़ पाए, इतना प्रखर। अब नारद की समाधि नहीं टूटी तो नारद जी महाराज, तो नारद जी बड़े प्रबल विद्वान प्रखर। नारद जी आज काम को जीतने के बाद में सबसे पहले अगर नारद गए तो भगवान भोलेनाथ जी के पास में पहुंचे और शिव जी के पास जा रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण भाव से बोलो नारायण नारायण
नारायण बोलू बोलो नारायण 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 बोलो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन बड़े आनंद में लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 हरि हर हर महादेव भगवान शिव के पास में देवऋषि नारद पहुंच गए महाराज और देवऋषि नारद ने पहुंचकर भगवान शंकर के सम्मुख में जाकर कहा भोलेनाथ जिसको आप नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। देखा शंकर जी जिसको आप नहीं जीते हो उसको मैंने जीता है। बाबा भोलेनाथ जी बोले करा क्या है देवऋषि नारद वो तो बताओ। देवऋषि नारद बोले कामदेव को आपने जीता क्या? कामदेव ने आपकी समाधि को तोड़ दिया पर मेरी समाधि को कामदेव नहीं तोड़ पाया। मालूम है आपको? भगवान शंकर बोले नारद जी आप तो देवऋषि नारद हैं, आप तो देवता के तुल्य, देवों के भी देव महादेव जी कह रहे हैं कि आप ऋषियों के पद पर बैठे हो। यदि आप काम को नहीं जीतोगे तो कौन जीतेगा? अगर संत जगत को नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा? सबसे मूल है संत। आप नहीं जीतोगे तो कौन जीतने वाला है? आप जीते हो। देवऋषि नारद जी ने कहा देखा मेरे को मेरी विद्वत्ता को। शंकर भगवान बोले नारद जी आपने कह दिया वो तो ठीक है पर एक हाथ जोड़कर निवेदन है आप ये बात भगवान विष्णु को मत बताना क्योंकि शंकर जी जान गए इतनी अहंकार की बात अगर नारायण तक पहुंचेगी तो नारायण का कितना दिल दुखेगा। शंकर विष्णु की बुराई नहीं सुनते हैं और विष्णु शंकर की बुराई नहीं सुनते। ये दोनों एक दूसरे की बुराई नहीं सुनते। शंकर विष्णु की नहीं सुनेंगे और विष्णु शंकर। आप जिससे स्नेह करते हैं प्रेम करते हैं भाव रखते हैं भगवत भजन रखते हैं जिसके प्रति आप समर्पित रहते हैं भगवान की आराधना आप करते हैं तो आप अपने ठाकुर का आप अपने शिव का आप अपने कृष्ण का आप अपने गुरु की बुराई नहीं सुन सकते और ना गुरु आपकी बुराई सुन। हालांकि बुराई करने से जिसकी बुराई होती है उसका तो भला ही होता है। कभी उसका बुरा नहीं हुआ संसार। एक कथा सुनी है एक राजा को बहुत बड़ी बीमारी हो गई। सुने कि नहीं सुने? बहुत भयंकर बीमारी। राजा का शरीर गल गल के टपकने लगा।
राजा रोते रोते सारे वेद डॉक्टरों को दिखाने पर शरीर सही नहीं हुआ। आखिरी में राजा गुरुजी के पास गया। गुरुदेव, गुरुजी ने पूछा हुआ क्या? मेरा शरीर टपक टपक कर नीचे गिर रहा है गुरुजी, मेरे को बहुत बड़ी बीमारी हो गई, मेरा शरीर सही कर दो। गुरुजी ने कहा तेरे बड़ा भाई तक आए तो क्या, वो तो मर गया। भाभी, भाभी तो राजभवन में महल में है, भाभी है। हाँ, एक काम कर, जिस कमरे में भाभी सोती हो उस कमरे के बाहर एक दरी बिछा कर चुपचाप से जाकर भाभी के कमरे के बाहर सो जा, किसी को बताना मत, और भाभी के कमरे के बाहर जाकर सो जा, बस तू ठीक हो जाएगा। राजा गुरुजी से बोला, गुरुजी सारे बेड डॉक्टरों को दिखाया, उनकी औषधि दवाइयां खा खा के पागल हो गया, और तुम कह रहे हो भाभी के कमरे के बाहर जाकर सो जा ठीक हो जाएगा, इसमें हो जाएगा? बस तुझसे जितना करा उतना बोल, जितना करा गया है उतना काम कर ले जा। राजा गया, राजा भाभी के कमरे के बाहर दरी बिछाता सो जा। 15 दिन के बाद में एक नौकरानी ने दासी ने देख लिया, और दासी ने दूसरी दासी से कहा देख तो सही, खोल ले राजा को, भाभी के कमरे में जाके सो रहा है, भाई मर गया। बाप रे बाप, क्या खोलला राजा। एक ने दूसरे से, दूसरे ने तीसरे से, तीसरे ने चौथे से, पूरे नगर में बात फैल गई कि ऐसा खोलला राजा भाभी के कमरे में जाकर सोता है। लोग राजा को गालियां देने लगे, अपशब्द कहने लगे, ताने देने लगे, और राजा का शरीर धीरे धीरे ठीक हो गया। राजा स्वस्थ, राजा का शरीर जब ठीक हुआ, राजा गुरुजी के पास जाकर बोला, गुरुदेव औषधियां डॉक्टर वेद भी काम नहीं कर सके, और आपका एक उपाय काम कर गया। गुरुदेव ये तो बताओ कि आखिर भाभी के कमरे के बाहर सोने से मैं ठीक कैसे हो गया? गुरुजी ने कहा, राजा तेरा पाप इतना बढ़ गया था, इतना पाप बढ़ गया था कि तेरे शरीर से टपक टपक कर गिर रहा था, इसलिए तेरे पाप को कम करने के लिए तेरी बुराई करवाना प्रारंभ करी। जैसे जैसे तेरी निंदा हुई, बुराई हुई, वैसे वैसे तू ठीक हो गया, एकदम बढ़िया। इसलिए शायद कहते हैं, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छबा, बिन पानी बिन साबुन सारो मेल धुल जाए। जिसकी जितनी ज्यादा बुराई होती है, निंदा होती है, वो उतना उतना स्वस्थ होते चले जाता। तुम देखो, अच्छा, एक बहू और एक सास, दोनों में सबसे ज्यादा बीमार कौन रहते? अरे बोलो तो जम के, दोनों में सबसे ज्यादा बीमार कौन रहती है? बहू। बहू का कभी घुटना दुख रहा, कभी कमर दुख रही, कभी सिर दुख रहा, कभी कंधा दुख रहा, कभी ना कभी बहू का कुछ ना कुछ दुखता ही नहीं। और सास 80 साल की होकर भी एकदम चकाचक, क्यों? क्योंकि बहू सास की इतनी बुराई करती है कि सास धीरे धीरे अच्छी होती चली जाती है। सास बढ़िया, क्योंकि बहू खूब बुराई करती है, और बहू जितनी सास की बुराई करती है उतनी सास स्वस्थ होती चली जाती, बढ़िया बढ़िया होती चली जाती। और सास बहू की बुराई नहीं करती ना, इसलिए बहू दिन भर बीमार पड़ी रहती है। इसलिए निवेदन है बहुओं, अगर सास तुम्हारी बुराई करती हो तो आज शाम को जाके उसका पांव पढ़ लेना, मम्मी और बुराई करो, और बुराई करो, क्योंकि सीहोर वाला महाराज बोल रहा था कि अच्छे हो जाते बुराई से। बढ़िया बुराई, जिसकी बुराई हो समझ लेना वो अच्छा हो जाओ। आप में से किसी की होती कि नहीं होती बुराई? बुराई, अरे बोलो तो सर, होती है। अगर किसी की बुराई हो रही है समझ लो अच्छा, और करो, और जो ज्यादा बुराई करे उसको एक दिवाली में साड़ी दिला, और अच्छा कर। तुम जितना जितना अपशब्द बोलोगे, जितनी जितनी बुराई करोगे, उतना उतना शरीर स्वस्थ होता चला जाता। देवऋषि नारद ने भगवान शिव से जाकर कहा था, शंकर भगवान बोले तुमने कह तो दिया है हमसे, पर निवेदन है ये बात तुम भगवान विष्णु से मत कहना। भगवान विष्णु,
भगवान नारायण से नहीं कही महाराज। रोग की मुक्ति का कारण है भगवान शिव की आराधना। अगर रोग को भगाना है तो शिव की आराधना करो। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुच्यमामृता। जपिए। और शिव महापुराण का तो मूल मंत्र दे दिया साथ, जैसे भागवत जी का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसी तरह शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1000 महामृत्युंजय अनुष्ठान के बराबर होता है। एक बार मुंह से बोल लेना। बोलो फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलिए। अच्छा जम के बोलो, आवाज तेज निकलना चाहिए। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1000 मंत्र के बराबर है ये शंकर का मूल मंत्र शिव महापुराण का। शिव महापुराण फिर से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव का ये उसी की तरह है जैसे तीन तुलसियां होती हैं, पहली रामा, दूसरी श्यामा, तीसरी बिमला। कौन सी? बिमला। तीन तुलसी होती है, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी का तो आप दर्शन कर लेते हैं, एक बिमला तुलसी होती है तुलसी जैसी। शुगर वाला मरीज जिसको शुगर की बीमारी है, अगर वो बिमला तुलसी का चौथाई से चौथाई हिस्से का भी टुकड़ा हफ्ते भर में या महीने भर में एक जरा सा टुकड़ा खा ले तो शुगर का लेवल बराबर रहता है, चाहे फिर वो महीने भर में कितना भी मीठा खाए और डॉक्टर से कितना भी चेक करा लेवल बराबर। पर बिमला तुलसी का एक नियम है, उस तुलसी को खाने के बाद में शक्कर खाकर देखना, पानी जैसी लगना चाहिए तो समझना कि बिमला तुलसी। शक्कर अगर मीठी लगे तो वो बिमला तुलसी नहीं। उस तुलसी को खाया, खाने के बाद शक्कर खा के देखो, अगर वो पानी जैसी लगे तो समझ लो बिमला तुलसी। गुड़ खाकर देख लो फीका लगे, मिठाई खाकर देखना फीकी लगे तो समझ लो बिमला। एक बिमला तुलसी और दूसरा वो सूरजने की फली होती है, सांबर फली। क्या बोलते हैं उसको? सांबर फली। सांबर फली की जो पत्तियां होती हैं, उस पत्तियों के 31 झूमर ले लो। 31 झूमर शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को रात्रि के 12 बजे चढ़ा दो। कितनी बजे? रात्रि के 12 बजे शिव जी को चढ़ाइए और चढ़ाने के बाद उस पर पानी चढ़ा दीजिए। झूमर को उठा लाइए, पानी में उकाल लो, आधा लीटर पानी में 250 ग्राम पानी हो जाए, उसको ठंडा कर शंकर जी को फिर अभिषेक कर दीजिए। एक पात्र में कटोरे में उसको झेल लीजिए, शंकर जी पे फिर पानी चढ़ा दो, उसको भी थोड़ा सा झेल लो, झेल कर लिया और शिवरात्रि से मात्र 5 दिन लगातार थोड़ा थोड़ा उस जल को पीना चालू कर दीजिए। शुगर जिंदगी में समाप्त हो जाएगी और लेवर बना रहेगा, फिर तुम चाहे कितनी भी मिठाई खाओ और चाहे कितना भी डॉक्टर को चेक कराओ। शिव महापुराण की कथा कहती है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना में लीन है, शिव की अर्चना जिन्होंने करी है, जिंदगी में कभी रोगी नहीं रह सकते, रोग से मुक्त है, रोग से मुक्ति है, रोग से मुक्ति। शिव शंकर के पास, इसलिए शिव की आराधना की मूल शिव शिव। एक केवल एक महादेव ऐसे हैं जो जिंदगी में, क्योंकि देवों का भी देव ही है, देवताओं का भी बाप, देवों का भी देव महादेव,
और ईमानदारी से बोलना, एक घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है ना, बूढ़ा व्यक्ति घर का जो होता है, वो घर में किसी को दुखी नहीं देख सकता। देखेगा क्या? अरे बोलो तो नहीं। घर का जो बुढ़ा बुढ़ी होगा, घर में जो बुजुर्ग होगा, वो घर में किसी को दुखी नहीं देख सकता। उसी तरह देवों का देव महादेव, जो देवताओं का भी देवता बनकर बैठा हुआ है, जगत का पिता है, जगत का परमेश्वर है, जो वो कभी अपने पृथ्वी पर रहने वालों को दुखी नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि वैकुंठ के देवता है भगवान विष्णु, ब्रह्म लोक के देवता है ब्रह्मा, देवलोक के देवता है इंद्र, और मृत्यु लोक का पृथ्वी का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। पृथ्वी का देवता कौन है? भगवान शिव। पृथ्वी का देव कौन है? महादेव। पर दुनिया के लोग आज के जमाने में सारे देवताओं को पूछते हैं, पर शंकर जी को नहीं। और चलो तो चलो, एक महाराज ने तो टीवी में बोल दिया था कि शंकर जी का शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए, तो लोगों ने अपने घर में से शंकर जी को निकाल निकाल के पीपल के पेड़ के नीचे धर दिया, लोग मंदिर में रखिया। मालूम पड़े उसने शंकर जी को बाहर निकाला, एक दिन शंकर जी ने उसको सबसे बाहर निकाल दिया। नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हो। शंकर ने उसको बाहर निकाला। दिन भर बैठ के बताते रहते थे, फर्श खोल लो, काला फर्श रखो, ये करो वो करो। एक दिन शंकर जी का शिवलिंग बाहर निकाला, शंकर जी ने उसको बाहर निकाल दिया। अवगढ़ दानी है शंकर, मृत्यु लोक का देव है महादेव। आराधना करी। कई लोग कहते हैं शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए, शंकर भगवान की पूजन करना चाहिए, शंकर जी का शिवलिंग घर में रखना चाहिए कि नहीं, क्यों नहीं रखना चाहिए? लोग भगवान शिव की पूजन बंद कर दिए, राम कृष्ण की पूजन कर रहे हैं। कैसे मिलेगा राम कृष्ण अगर शंकर को नहीं भजोगे? शिव नहीं भजोगे तो राम कैसे मिलेगा? शिव नहीं भजोगे तो कृष्ण कैसे मिलेगा? मृत्यु लोक का देव है महादेव, जो दुनिया में आपको दुखी नहीं रख सकता। पर दुनिया की आदत है, आप सबकी भी आदत है। घर में सास बैठी रहेगी, उसके पांव नहीं पड़ोगे, पर पड़ोसन के जरूर पड़ोगे। घर में सास ससुर बैठे, उनके चरण नहीं छुओगे। घर में बुजुर्ग माता पिता बैठे, उनके पांव नहीं पड़ोगे, पर पड़ोसी के पड़ोगे। पड़ोसन की काकी आई, काका आया, कोई बुजुर्ग आया, तुमने पढ़ लिया, तो सास को लगता है भले तू पड़ोसन के कितने भी पांव पड़ ले, पर ईमानदारी से बोलना, क्या पड़ोसन अपनी जायदाद का हिस्सा तुम्हें दे देगी? अरे बोलो तो, पड़ोसन अपनी जायदाद देगी तुमको? नहीं। जायदाद का हिस्सा कौन देगा? तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर। उसी तरह तुम भले राम जपो, तुम भले कृष्ण जपो, तुम भले विष्णु जपो, तुम भले दत्त जपो, पर मृत्यु लोक का देव है महादेव, अगर उसको नहीं भजोगे तो मुक्ति वो देने वाला नहीं। भगवान शंकर तो कहते हैं तेरी मर्जी पड़े उसको भजे, तेरा मन कर उसको भज। शंकर जी कहते हैं मेरे ससुर ने तो मुझको श्राप दिया है कि तू शमशान में रहेगा, भले मेरा भजन जीते जी मत कर, मरने के बाद तो मेरे पास ही आएगा कि और कहीं जाएगा? कहां पे? अरे बोलो तो, शमशान में। लोग पकड़ के लाएंगे तेरे को कंधे पे बांध के, कहीं भाग नहीं चले जाए, आएगा तो मेरे पास ही। मरने के बाद लोग लाएंगे राम नाम सत्य कहते कहते, और भले मेरा भजन तू जीते जी मत कर, मरने के बाद जब मेरे पास आएगा बेटा, ऐसी गीली लकड़ी में जलाऊंगा, तीन दिन ठंडा नहीं होने दूंगा तेरे को। भले जीते जी भजन मत कर, मरने के बाद तो आएगा, तब देखा। शंकर कहां है? सर्वस्व है, हर जगह पर बैठा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा देव ऋषि नारद से, नारद जी आपसे विनती है, आप ये बात भगवान विष्णु को ना कहिए, भगवान नारायण को ये मत कहना कि आपने काम को जीत लिया और भगवान शिव नहीं जीत पाए।
शंकर काम को नहीं जीते ये नहीं कहेगा। देवऋषि नारद को लगा भगवान भोलेनाथ को तो जलन है, अंदर से ईर्ष्या, खुद तो जीत नहीं पाए, खुद तो हार गए और मैं जीत गया तो ईर्ष्या, अब करें तो करें क्या। भगवान नारायण के पास में देवऋषि नारद चल दिए। नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। बाबा रामदेव कहते हैं दोनों हाथों से ताली बजाने से ब्लड प्रेशर बराबर रहता है, हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होती, पर घर पे बैठ के बजाओगे तो लोग समझेंगे कथा से आई जब से पागल हो गए, इसलिए सत्संग में बजाइए दोनों हाथों से और आवाज आना चाहिए जम के। एक्यूप्रेशर वाले कहते हैं अगर हमारा पेट दुखे तो बीच में दवा, अगर सिर दुखे तो अंगूठा दवा, पांव दुखे तो उंगली दवा, क्यों कहते हैं पूरा शरीर हमारे हाथों में है, इसलिए सत्संग में दोनों हाथों से ताली बजाते हैं, नेत्र की ज्योति बढ़ती है, हार्ट की तकलीफें समाप्त होती है, ब्लड का सर्कुलेशन तेज चलता है दोनों हाथों से। नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण ओहो नारायण श्रीमन नारायण नारायण सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण नारायण सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण नारायण ओ नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण में। शंकर जी ने मना करा था मत बताना, उसके बाद भी देवऋषि नारद जी जाकर क्या कह रहे हैं श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु ने पूछा नारद जी कैसे आना हुआ, नारद जी बोले प्रभु आपको मालूम है कुछ, भगवान बोले क्या, आप भगवान से क्या कह रहे हैं आपको मालूम है कुछ, जिसको दुनिया की खबर उसको कह रहा है कुछ खबर है, जिसको दुनिया की खबर है और उसको कह रहा है खबर,
आपको मालूम है भगवान बोले क्या? अब जब कोई व्यक्ति अगर ऐसा बोलता है ना कि आपको मालूम है तो भगवान अनजाना बन जाता है। हाँ बोलो क्या हो गया, हुआ क्या? भगवान विष्णु ने पूछा, देव ऋषि नारद बोले जिसको शंकर जी नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है कामदेव। भगवान विष्णु देव ऋषि नारद तो चल दिए कहकर। भगवान नारद जी जैसे ही बाहर निकले इतने में भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को बुलाया और कहा जरा गाय का गोबर ला और जहां नारद जी बैठा है वहां लीप दिया। जहां नारद बैठा है वहां लीप, गाय का गोबर ला उठाकर। वो लक्ष्मी जी बोली नारद जी के जाने पर लिपवा क्यों रहे हो? वासुदेव नारद पापी है क्या जो उसके जाने के बाद लिपाया जा रहा है? भगवान बोले एक तो वो नुगरा है, उसका गुरु मंत्र नहीं है। दूसरा वो शंकर की निंदा कर रहा है। जो शंकर की निंदा करे समझ लो वो जीवित है ही नहीं, अहंकार के मत में वो नष्ट हो गए। झुकना जीते की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की शान है। जो धन के अभिमान में अकड़े समझ लेना वो मर चुका है। जो सुंदरता में अकड़े समझ लेना वो मर चुका है। जो धन की सत्ता में अकड़े अपने वैभव में अकड़े समझ लेना वो मर गया। जो तुम्हें ज्यादा अकड़ता दिखे समझ लेना मर गया, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति ही अकड़ता है। जो जिंदा है वो तो झुक के चलता है। जो जिंदा है वो झुकेगा और जो मर गया वो अकड़ेगा। खैर हमारे बलगांव में तो कोई भी नहीं अकड़ता, ऐसा कोई अकड़ा वकड़ा तो नहीं। तो उससे महसूस होता है कि बलगांव के लोग जिंदा है, अकड़े नहीं। जो अकड़े हो गए। झुकना जीते की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की शान है। वो भगवान ने गोबर बुलवाया, गोबर ला लिबो। इतने में नारद जी वापिस आ गए। नारद जी आकर बोले हमारे जाने के बाद तुमने गोबर से क्यों लिपा? हम पापी? भगवान विष्णु ने शंकर जी वाली बात तो नहीं कही पर नारद से कह दिया, नारद तेरा कोई गुरु नहीं है और जिंदगी में जिसका कोई गुरु नहीं होता वो नुगरा अगर हजारों लाखों रुपए दान भी कर दे तो उसके दान को स्वीकार नहीं किया जाता। तुम्हारा कोई गुरु नहीं है इसलिए जमीन को लिपवाया गया। अगर नुगरा व्यक्ति कोई एकादशी का व्रत करे, द्वादशी का व्रत करे, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार या दान पुण्य करे, कन्या दान करे, अन्न दान करे, वस्त्र दान करे, उसके दान का कोई महत्व नहीं। जिसका कोई गुरु नहीं उसके दान का कोई महत्व नहीं। और गुरु जितना ज्ञान दे सकता है दुनिया में कोई नहीं। एक अच्छा सेठ जी बाहर बैठे थे कुर्सी लगा के, एक गुरु जी निकल के जा रहे थे, उन्हीं के गुरु। तो गुरु जी निकल के जा रहे थे तो सेठ जी अपने बच्चे को गोदी में रख के खिला रहे थे, लाड़ लड़ा रहे थे। इतने में सेठ जी ने कहा गुरु जी पांव लगूं प्रणाम करूं? गुरु जी बोले हाओ भैया। राम राम सेठ जी। सेठ जी बोले गुरु जी कहाँ जा रहे हो? गुरु जी बोला बस मंदिर भगवान का भजन करने जा रहा हूँ। अच्छा, अरे गुरु जी जाते जाते कोई ज्ञान की बात कह जा। गुरु जी बोले मैं काहे की ज्ञान की बात क्यों? तुम्हारी गोदी में जो छोरा बैठा है वही तो तुमको इतना ज्ञान दे रहा है। रोज तो कहता है बाबा बाबा जी बाबा जी बाबा जी, मतलब अब उम्र हो गई बाबा बन जाओ जी। रोज तो पोता कह रहा है कि बाबा जी बाबा जी बाबा बनो जी बाबा बनो, अब हो गया उम्र खूब कमाते कमाते जिंदगी निकल गई बाबा बनो। तो इतने में सेठ जी भी बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा गुरु जी इस छोरा के कहने पे मैं कई बार सोचता हूँ कि बाबा बन जाऊं पर छोरे के लड़के को गोदी में रखता हूं तो वो कहता है बाबा बनो,
और छोरी के लड़के को गोदी में रखता हूं तो कहते ना 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 मत बन। इसलिए मैं कंफ्यूज में पड़ा हूं कि बनू। अब लड़का पोता कहता है बाबा बनो और लड़की का लड़का कहता है ना 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 बनना। उस कनक में बीच में लटका हूं इसलिए मैं बाबा नहीं बन पाता। गुरु जी ने माथा ठोका, सेठ बड़ा चतुर है, बहुत चतुर सेठ जी। तो गुरु जी तो वापिस चल जाए, काहे सेठ के चक्कर में मारा। क्या अब होते कई लोग गुरु अगर माने। एक चेला गुरुजी के पास गया। गुरुजी 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 बोले क्या है तुम्हारा फोटो चाहिए। गुरुजी ने कहा फोटो का क्या करेगा, तेरे घर में फोटो नहीं है क्या मेरा? नहीं है। एक फोटो तो तुम्हारा पूजा में लगा हुआ है घर में, एक और चीज तो दूसरा फोटो का क्या करेगा? वो दुकान में लगाना है। गुरुजी खुश हो गए, वाह दुकान में काय के लिए लगाना है? गुरुजी वो ग्राहक आते हैं तो कसम खाने के लिए चाहिए। गुरुजी तो चुपचाप निकल लिए। कसम खाने के लिए भी गुरुजी का फोटो कि झूठी कसम किसकी खाओ? बाप की खाई दो बार जूता मार दिया, मम्मी की खाई तो उन्होंने बेलन से कूट दिया, अब कोई मिले ही नहीं कसम किसकी खाई? तुम्हारा फोटो लगा लगा। गुरुजी चले चले बोलो हर हर। अब महाराज देव ऋषि नारद पहुंच गए। अब नारद जी भगवान से पूछे बताओ हमारे जाने के बाद तुमने ये लिपाया, ये गाय के गोबर से लिपाया क्यों? भगवान बोले नारद तेरा कोई गुरु नहीं और जिंदगी में जिसका गुरु नहीं उसका जीवन नहीं। पानी पियो छान गुरु करो जान। हमेशा सोच समझ के करना चाहिए। एक व्यक्ति को मालूम पड़ा कि वहां जंगल में गुरु जी रहते हैं, उनसे गुरु मंत्र ले लो। वो गुरु मंत्र लेने गया। अब गुरु मंत्र लेने गया तो सुबेरे हो गई। सुबेरे सुबेरे एक व्यक्ति लोटा लेके बैठा हुआ था जंगल। अब लोटा लेके बैठा तो इसने पीछे से आवाज लगा, इसको आश्रम तो मालूम नहीं था। इसने पूछा ओ भैया वो गुरु जी का आश्रम कहाँ है? वो तो लोटा लेके बैठा सुबेरे सुबेरे। वो बोले अरे वो गुरु जी का आश्रम कहाँ है? वो तो बोला ही नहीं। इसको आ गई गुस्सा, इन्हें जूता हेड़ा और उनकी पीठ पे धर के दिया जो लोटा लेके बैठा था और चले गए। आगे गया तो आश्रम मिल गया गुरु जी का। उससे पूछा भैया यहाँ गुरु जी हैं क्या? अभी आते होंगे। इतने में गुरु जी आ गए। गुरु जी आए तो ये तो मुंह छुपा। अब मुंह छुपा गुरु जी ने कहा कौन है रे? गुरु जी गुरु मंत्र लेना है तो मुंह तो दिखा। अरे मुंह तो दिखा तो मुंह क्यों नहीं दिखा रहा? गुरु जी ने अपने चेले से कहा जरा इसका मुंह देख। गुरु जी ने कपड़ा हटाया, जो देखा तो ये गुरु जी के चरणों में पड़ गया। गुरु जी मैंने आपको जूता फेंक के मारा था। गुरु जी बोले कोई बात नहीं बेटा, हमारी अम्मा कहती है, हमारी माँ कहती है, हमारी आई कहती है कि मटका खरीदने जाओ तो बजा के देखो, तूने गुरु को बजा के देख लिया। कोई बात पानी पियो छान गुरु करो। अब नारद जी बोले प्रभु मेरे जाने के बाद तुमने लीपा क्यों? भगवान बोले तेरे पास गुरु मंत्र नहीं है तो नुगरा, और नुगरा व्यक्ति घर में आए तो हमारे घर का पुण्य चले जाए, इसलिए हमने ली। भगवान ने ये नहीं बोला कि तूने शंकर जी की बुराई करी। नारद जी बोले तो मैं तो खुद गुरु, मैं तो खुद गुरु, मैं किसको गुरु बनाऊं? भगवान बोले दुनिया में जिसका कोई गुरु नहीं होता वो नुगरा कहलाता है। नारद मंत्र लेना जरूरी है, तू मंत्र तो ले ले। नारद जी बोले मैं मंत्र किससे लूं? आप बता दो किससे मंत्र लूं? भगवान बोले पृथ्वी पर जाना, सुबह के समय पर सबसे पहले जो मिले बस उसी को गुरु बना ले। देव ऋषि नारद नीचे आए। एक जैसे सुबेरे सुबेरे नीचे आए, एक मछुआरा मछली पकड़ने जा रहा था। नारद जी को वो ही मिल गया। नारद जी ने मन में सोचा बताओ ये मछली पकड़ने वाले को गुरु बना। नारद जी वापिस भगवान विष्णु के पास चले जाए। प्रभु मेरे को तो गुरु मंत्र लेने ही नहीं। भगवान बोले तूने कहा था कि
मंत्र लूंगा। मैंने कहा था तेरे को सुबह सुबह नीचे जाना, जो मन मिल जाए उससे मंत्र ले ले। अरे प्रभु, एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा मिला, क्या उसको गुरु बनाऊं? वो न पढ़ा न लिखा, वो क्या मुझे ज्ञान देगा? मैं तो खुद उससे ज्यादा ज्ञानी। भगवान ने कहा, नारद फालतू की बात मत करो, चुपचाप जाके गुरु मंत्र लो। मछुआरे के पास गए नारद जी, भैया गुरु मंत्र दे दे। मछुआरा बोला, एक थप्पड़ दूंगा, चुपचाप बैठ जा, मंत्र दे दे। भैया गुरु मंत्र दे दे। नारद जी बोले, मंत्र मंत्र? जैसे ही नारद जी बोले मंत्र दे, मछुआरा के मुझे मंत्र मंत्र नहीं आता, चले यहां से जा। काम के टाइम पर आ गया, चल यहां से जा। देव ऋषि नारद तीन बार चले गए, चौथी बार फिर आ गए, भैया मंत्र दे दे। मछुआरे ने मंत्र दे दिया। अब मछुआरे को मंत्र याद नहीं था, जो मछली पकड़ने का मंत्र था वही दे दिया नारद। नारद जी वो मंत्र लेकर ऊपर गए, भगवान विष्णु से कहा, प्रभु ऐसा मंत्र दिया है, वह मंत्र मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि गुरु मंत्र किसी को बताया भी नहीं जाता। अब मैं बताऊं तो क्या करूं महाराज, ऐसा मंत्र है, मेरा गुरु तो पढ़ा न लिखा। इतने में भगवान विष्णु ने कहा, नारद तूने मेरे पास आकर अपने गुरु की निंदा करी है, तेरे बराबर दुनिया में कोई पापी नहीं होगा, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ नारद कि तूने गुरु की निंदा करी है, इसलिए पृथ्वी पर जाकर 84 लाख योनियों के चक्कर काटे, 84 लाख योनियों के तू चक्कर काटे, मेरा श्राप। नारद जी चक्कर में पड़ गए, भगवान आपने मुझे श्राप दे दिया 84 लाख चक्कर काटने का, 84 लाख योनियों के चक्कर काटे का। हाँ नारद जी नीचे आए, गुरु जी के पास में आकर ऐसे बैठ गए चुपचाप। गुरुजी ने पूछा, मछली पकड़ने जा रहे थे? गुरुजी बोले, मछली पकड़ने जा रहा हूँ, आज पहला दिन धंधे का, और तू ऐसा मुंह लेकर बैठा, तेरा मुंह देखकर जाऊंगा तो मछली भी नहीं पकड़ाएगा, काय के लिए बैठा है ऐसा मुंह उतार के? भगवान ने मुझे श्राप दिया है, 84 लाख योनि के चक्कर काटेगा तब जाकर ऊपर आएगा, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? मछुआरा बोला, एक काम कर, 84 लाख योनियों के फोटो खिंचवा ला, और फोटो खींच के जमीन पे धर ले, उनके चक्कर काट ले और चले जा। हो गए 84 लाख योनियों के चक्कर। देव ऋषि नारद ने 84 लाख योनियों के फोटो खिंचवा कर चक्कर काट कर जो नारद जी ऊपर गए, भगवान विष्णु ने कहा, आओ देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद बोले, अभी तो आपने श्राप दिया था कि 84 लाख योनियों के चक्कर काटेगा। भगवान ने कहा, तेरे गुरु ने फोटो खिंचवा के चक्कर कटवा दिए ना, तो उस योनि से निकल गए। नारद भगवान विष्णु से बोले, वाह प्रभु, गुरु गुरु होता है चाहे भले वो मछुआरा क्यों ना, व्यक्ति के पाप को काट ही देता है, व्यक्ति के पाप कर्म को, ये रिकॉर्ड बढ़ाइए थोड़ा सा, व्यक्ति के पाप कर्म को काट ही देता है, गुरु गुरु होता है। दुनिया में गुरु के बराबर कोई नहीं है, जीवन में गुरु लक्ष्य को निश्चित करता, गुरु लक्ष्य को निर्धारित करता। इसलिए शास्त्र कहता है कि एसो सतगुरु भावे मुझको, एसो सतगुरु भाए, राम नाम की प्यारी चादर ओढ़े और ओढ़ाए मुझको, ऐसो सतगुरु भाए। जिंदगी में गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपको परमात्मा की भक्ति में रमा, भगवत चित्त में लगा दे, प्रपंच में नहीं, भगवान के चरणारविंद में जो आपको समर्पित कर दे, आपकी चित्त, आपकी वृत्ति, आपका चिदानंद, आपकी सोच परमात्मा की ओर अग्रण्य हो जाए, ऐसा। इसलिए शास्त्र कहता है, कि लिखन वाले तू हो के दयाल, लिखना मेरे हृदय
अंदर सतगुरु का प्यार नैनो पे लिखना दर्शन गुरु के कानों में गुरु जी का शब्द लिखना मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिखना पैरों पे लिखना जाना गुरु द्वारे पैरों पे लिखना जाना गुरु द्वारे जिभ्या पे गुरु जी का नाम लिखना मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख गुरु जीवन को सार्थक करने वाला गुरु जीवन में परमात्मा की भक्ति को प्रखरता प्रदान करने वाला देवऋषि नारद कह रहे हैं प्रभु मुझसे गलती हो गई और भगवान नारायण ने लीला रच दी और ऐसी लीला नारायण ने रची आज देवऋषि नारद जहां से निकल कर जा रहे थे बीच मार्ग में एक राजा की कन्या का स्वयंवर रख दिया। देखिए शंकर भगवान के ससुर दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा करी तो उनका बकरे का मुंह लग गया। नारद जी ने शंकर की निंदा करी तो बंदर का मुंह लग गया। शास्त्र कहता है शिव महापुराण की कथा कहती है अगर जिंदगी में किसी ने शंकर की निंदा को कभी सुना है तो उसका अगला जन्म पशु का हो जाता है। वो जानवर बनकर पैदा होता है पशु बनकर पैदा शिव की निंदा शंकर की निंदा करने वाला पशु बनकर पैदा होता है। देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे बीच में एक राजा की कन्या का स्वयंवर था। महाराज कन्या का स्वयंवर जानकर देवऋषि नारद नीचे चले गए। इतना सुंदर किसका नगर है देवऋषि नारद। तैयारियां चल रही थी मंगल साज सज रहे थे चारों तरफ सुख समाहित हो रहा था। जाकर पूछा क्या बात है। सील निधि राजा आकर बोला मेरी बेटी का स्वयंवर है। कन्या को देखा बड़ी सुंदर थी कन्या बड़ी सुंदर इतनी सुंदर कन्या को देखा देवऋषि नारद जानकर पूछे क्या बात है इस कन्या से बस मेरा विवाह हो जाए। भगवान से जाकर वर मांगा मेरी ऐसा स्वरूप बना दो जिसमें मेरा हित हो। भगवान ने वही स्वरूप बनाया नारद को बंदर का मुख लगा दिया क्योंकि इसमें तेरा हित है क्योंकि तूने शिव की निंदा करी। शास्त्र कहता है आप भगवान से नहीं डरते मत डरो आप वेद और पुराण से नहीं डरते मत डरो आप गुरु और ईश्वर से नहीं डरते मत डरो आप माता पिता से नहीं डरते मत डरो पर शिव महापुराण कहती अपने कर्म से जरूर डरना क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग भोगना पड़ता है। वो थी ना वो धृतराष्ट्र की धर्म पत्नी क्या नाम था उसका अरे बोलो झमके गांधारी आंख पे पट्टी बांधी थी। भगवान कृष्ण उसके पांव पड़ने के लिए आए आज और जैसे ही कृष्ण पांव पड़ने के लिए गांधारी के पास में आए गांधारी ने पांव को पीछा करा और पीछे कर गांधारी ने कृष्ण से कहा कृष्ण तूने मेरे वंश को मिटा दिया मैं तुझे श्राप देती हूं कृष्ण मेरा वंश मेरे सामने मिटा है तेरा वंश तेरे सामने मिटेगा। कृष्ण प्रसन्न हो गए हंसने लगे मुस्कुराने लगे। कृष्ण को मुस्कुराता हुआ देखकर ठहाके लगाता हुआ देखकर गांधारी ने पूछा तेरा वंश मिट रहा है और तू हंस रहा है। कृष्ण कहते हैं बुआ जी
कुंती मेरी बुआ है इसलिए आपको बुआ कह रहा हूँ। मेरे को इस बात की प्रसन्नता है कम से कम मेरे सामने मेरे परिवार के लोग बेकुंठ तो चले जाएंगे, क्योंकि मेरे मरने के बाद इनकी गति बिगड़ जाएगी, जीते जी इनको भेज तो दूंगा। गांधारी रो पड़ी और आंख में आंसू भर कर बोली, कृष्ण एक निवेदन स्वीकार कर ले। कृष्ण मेरा पूरा वंश मिट गया, मेरे बच्चे मर गए, कम से कम मरने के बाद उन बच्चों का शव तो दिखा दे। कृष्ण एक बार मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दे। कृष्ण ने कहा चलो मैं तुम्हें ले चलता हूं। युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण उस गांधारी को ले गए और गांधारी से कहा बुआ जी पट्टी खोल लो। गांधारी ने अपने नेत्रों से पट्टी खोली, जिंदगी भर आंख पे पट्टी बांध कर बैठी थी, बच्चों को ही नहीं पहचानती थी कि कौन सी मेरी औलाद, कभी देखा ही नहीं। जन्म कब हुआ, कैसे बच्चे थे, कैसे बड़े हुए, कौन बहू कौन बेटा पहचानती। पट्टी खोल ली, जैसे ही सबसे पहले पट्टी खोली, गांधारी का ध्यान कुरुक्षेत्र के मैदान में एक बेर का पेड़ था, उस बेर पर चले गए। क्योंकि आंख पे से जो जो व्यक्ति अंधा और एकदम आंख आती है ना, सबसे पहले प्रकृति दिखती, बड़ी सुंदर प्रकृति है, बाद में लोगों को देखेगा, पहले प्रकृति देखेगा। पट्टी खुलते ही गांधारी ने सबसे पहले बेर का पेड़ देखा। अरे मैंने जब से शादी करी, जब से मैंने आंख पे पट्टी बांधी, जब से बेर नहीं खाया, इतने सुंदर बेर। गांधारी सबसे पहले बेर तोड़ने गए और बेर तोड़ने के लिए गांधारी गई। बेर ऊंचे थे, टूट नहीं रहे थे, बेर टूटते नहीं है। गांधारी ने एक शब को उठाया उस पे चढ़ी, दूसरे शब को उठाया उस पे चढ़ी, तीसरे शब को उठाया उस पे चढ़ी। गांधारी शब के ढेर लगा ली और उस पर चढ़कर बेर तोड़कर गांधारी खा रही है। जब नीचे उतरी तो कृष्ण से कहा कन्हैया मेरे पुत्र को तो मिलवा दे। कन्हैया कहते हैं ये 100 पुत्रों का जो तूने ढेर लगाया है, जिस पे तू चढ़ी हुई है, यही तो तेरे पुत्र। कृष्ण मैं अपने पांव से अपने पुत्रों को मचा रही थी। हाँ अरे गांधारी कृष्ण के गले लगकर रोने लगी, कृष्ण अरे मेरे पुत्रों को मैं पांव से क्यों मचा रही, मेरे पुत्र क्यों मरे, उनको मैं क्यों मचा रही हूं, अपने पांव से क्यों क्यों उठ रही। कृष्ण कहते हैं बुआ जी एक आप और एक भीष्म पितामह दोनों 100 जन्म तक का देख सकते हो। कितने जन्म? 100 जन्म तक का इतिहास देख सकते हो। आप अपने 100 जन्म का इतिहास देखो कि आपने कोई पाप तो नहीं करा। गांधारी कहती है मैं अपने 100 जन्म का लीला देख रही हूं, मैंने जिंदगी में कोई पाप नहीं करा। बुआ जी बस आप में और मुझ में अंतर ये है, आप 100 जन्म तक का देख सकते हो और मैं आपके आज जन्म ना जाने कितने जन्म हुए उसको भी देख सकता हूं। आपका 122 नंबर का जन्म, जिस जन्म में आप एक राजा की लड़की बनी थी, आप एक राजा की बेटी बनी और बड़ी सुंदर बेटी, इतनी सुंदर कि देवलोक की अप्सराएं आपके आगे फीकी लगती थी। एक दिन आपके उस राज्य में एक हाकिम आ गया, एक वेद आ गया, एक हाकिम आया और हाकिम ने आपको देखकर कहा राजकुमारी जी बहुत सुंदर हो, आप अगर 100 साल की भी हो जाओगी ना तो आप ऐसी ही बनी रहोगी, एक दवाई है मेरे पास में, बस उस दवाई को उस औषधि को आप आपके शरीर पर लगाना, आप 90 और 100 साल की उम्र में भी जवान दिखोगी, सुंदर दिखोगी जितनी सुंदर अभी हो। राजकुमारी ने कहा उस औषधि को मुझे दो। राजकुमारी जी औषधि बनाना पड़ेगी, बनाओ मेरे लिए बनाओ। उस हाकिम ने कहा औषधि बनाने में थोड़ी सी हिंसा हो, हिंसा
राजकुमारी जी ने कहा भले हिंसा कर दो पर मेरे लिए औषधि बनाओ। राजकुमारी जी उसमें 100 केचुओं को कूट कर पीस कर फिर औषधि मिलाई जाएगी। राजकुमारी कहती है मुझे सुंदर बनाने के लिए 100 केचुओं को कूट दे पीस दे। 100 केचुओं को पकड़ा उसको कूटा औषधि बनाकर दी राजकुमारी को। भगवान कृष्ण कहते हैं गांधारी बुआ जिन 100 केचुओं को तूने कुटवा कर पिसवा कर नष्ट करवाया था वही 100 केचुए तेरे गर्भ से जन्मे। जिनको तूने कूटा था वही केचुए आज तेरे पांव से रुंधवा रहे हैं तेरी औलाद बनकर तेरे पुत्र बनकर। कर्म का दंड है मनुष्य को भोगना पड़ेगा। कर्म भोगोगे थोड़ा सा दुख आए थोड़ी तकलीफ आए थोड़ा कष्ट आए समझना हमारे कर्म का दंड हम भोग रहे हैं। पूर्व में कोई हमने गलत कर्म करा होगा उसका भोग आज भोगने का मिल रहा है। मनुष्य का जन्म ही काय के लिए हुआ? कर्म भोगने के लिए हुआ है। कहीं पशु बनकर जन्म ले लेते तो भोगना ही नहीं पड़ता। खाओ पियो मौज करो पड़े रहो। और यहाँ बर्तन घिस घिस के मरे जा रहे घर में पोछा झाड़ू अभी दिवाली आने वाली है पोता करो ढेग लगा ये करो कपड़े धो बर्तन मांजो ये साफ करो वो साफ करो ये कर्म कब हो गए? कर्म कब हो? जिनके यहाँ पर आए हैं कर्म भोगने के लिए पूर्व समय में इनका खूब माल खाया होगा खूब इनका माल निपटाया होगा तो भगवान ने कहा इनकी यहाँ का खाया है तो अब इनके यहाँ के जाके बर्तन घस इनके बच्चों के कपड़े धो जा झाड़ू पोछा कर पोताई करवा घर की सफाई करवा। इसलिए शास्त्र कहता है मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादान। कर्म का भोग भोगना और वो भोगने के लिए मनुष्य का जन्म हुआ ही है। कर्म का भोग भोगने के लिए हम मृत्यु लोक में जन्म लिए। देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा दिया। शंकर की अगर निंदा शंकर की अगर बुराई कई लोग कहते हैं हम शंकर जी के मंदिर का प्रसाद नहीं खाते। कोई कहता है हम शंकर जी के मंदिर में जाते हैं। अगर नहीं जाते मत जाओ प्रसाद नहीं खाते मत खाओ पर निंदा मत। शिव की निंदा करने वाला पशु की योनि में चल जाए। शिव हमारे जीवन की शुद्धता का भाव प्रकट करता है। महाराज आपका सात्विक प्रवृत्ति आपका राम आपका कृष्ण आपका शिव भगवत भजन भगवान शिव रोग को मुक्त करते हैं दुनिया के लोगों के संकट का हरने। शास्त्र आपको पहले भी कथा में कहा जिस नारी का कमर दर्द होता हो घुटने दुखते हो डॉक्टर बोल रहे हो घुटने बदलाओ कुछ मत करो शिव महापुराण का एक काम करो शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर जी के मंदिर की बेलपत्र उठाकर उसी शंकर मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर रात को 12 बजे खाइए। जिंदगी में कभी घुटने का दर्द हो गई कमर का दर्द हो गई शंकर मंदिर के शिवरात्रि के दिन बेलपत्र रात को 12 बजे उठाओ और उसी बेलपत्र को उठाकर शंकर मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर खा। कई लोग बेलपत्र उठा लेते हैं दूसरे मंदिर का शिखर देख के खाते नहीं उसी मंदिर का शिखर जिसकी बेलपत्र जिस मंदिर की बेलपत्र उसी मंदिर का शिखर। जिंदगी में कभी घुटने का दर्द कमर का दर्द हो ही नहीं सकता।
घुटने बदलना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर बोले कि बाईपास करवाना पड़ेगा, शरीर की नाड़ियां चौक पड़ी है। डॉक्टर ने बोल दिया आप आ जाइए शंकर जी के मंदिर पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शंकर जी के मंदिर में घी का दिया लगाकर एक बेलपत्र शंकर जी पे से रोज उठाओ। 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि के 11 दिन कोई से भी महीने की शिवरात्रि से चालू करो, 11 दिन तक लगातार एक बेलपत्री को शंकर जी के मंदिर पे ओटले पर बैठकर खाओ, आपको जिंदगी में बाईपास करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाड़ियां सब खुल जाएगी। नाड़ी चौक भी होगी तो खुल जाएगी, फिर वापिस चेक करवा आपकी नाड़ियां। शिव कृपा, शंकर जैसा दयालु दुनिया में नहीं हो सकता, ऐसा मेरा भोलेनाथ है, ऐसा मेरा दयालु। भगवान ने लीला रच दी, बंदर का मुंह रखकर बैठे नारद जी। कन्या आई परंतु वरमाला नहीं डाली नारद को, क्योंकि भगवान की माया थी, नारद का अभिमान घटाना था और नारद का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान ने लीला रची थी। भगवान के गले में माला दी, चले गए देव ऋषि नारद। भगवान को अपशब्द कहे, भगवान ने कहा ये मेरी माया है, तुमने शिव की निंदा करी थी इसलिए बंदर का मुंह लगा था। नारद जी ने क्षमा मांगी, अब मेरे को क्षमा कर दो, मैं क्या करूं कि भगवत तत्व की प्राप्ति हो। भगवान ने कहा एक काम करो नारद जी, चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर पंडरपुर में भगवान शंकर की आराधना करो। नारद जी पंडरपुर में जाकर आराधना कर रहे हैं और ये कृपा बाबा विश्वनाथ की है। जो हम भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं इस शारदीय नवरात्रे में, शक्ति की उपासना के इन दिनों में भगवान शिव की आराधना, भगवत तत्व का मूल उद्देश्य को प्रखर बना देती है। एक तो सबसे ज्यादा तो कठिन है मानव का शरीर, और अगर मान लो मानव का शरीर मिल भी गया, मनुष्य की देह प्राप्त हो भी गई, तो उसमें भी कठिन है भगवान का भजन करना, सत्संग करना, संकीर्तन करना। मनुष्य का शरीर तो कठिन है ही। कई लोग कहते हैं भगवान बहुत कठिनता से मिलता है। महाराज जी भगवान को पाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत तप करना पड़ता है, साधना करना पड़ती है, आराधना करना पड़ती है, तब जाकर भगवान मिल पाता है। भगवान का मिलना कठिन नहीं है, भगवान तो यूं मिल जाए। दुनिया में परमात्मा का मिलना कठिन नहीं, दुनिया में परमात्मा का मिलना तो बहुत सरल है, पर दुनिया का सबसे कठिन काम है सरल बनना। क्या कठिन काम है? सरल बनना। तुम जितने सरल बन जाओगे, जितने सहज हो जाओगे, जितने सरल तुम अपनी जिंदगी को जीने लगोगे, उतनी जल्दी परमात्मा आपको मिल जाएगा। क्योंकि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे ना छल चाहिए, ना बेईमानी चाहिए, ना कपट चाहिए, ना मुझे विवाद चाहिए। मुझे तो तुम्हारी सरलता, जितनी सरलता से तुम अपनी जिंदगी को जी सकते हो उतनी सरलता में जियो। तुम जितनी सरलता से भगवत तत्व को धारण कर सकते हो उतनी सरलता से धारण करिए। भगवान को पाना बड़ा सरल है। श्री समर्थ रामदास जी महाराज, आज श्री समर्थ रामदास जी महाराज को थोड़ा सा स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो गई
और श्री समर्थ जी ने, श्री समर्थ रामदास जी महाराज ने आज अपने चेले से कहा, जाओ आज मैं भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा, आज की भिक्षा आपको मांगना, आप भिक्षा मांग कर जाइए। और श्री समर्थ रामदास जी महाराज के कहने पर चेला चल दिया। और चेले का एक ही उद्देश्य था, भगवान का भजन करना। श्री राम समर्थ, रामदास समर्थ, समर्थ समर्थ करता हुआ, जय समर्थ करता करता भिक्षा मांगने चला गया। भगवत तत्व में डूबा हुआ था, नाम स्मरण करता जा रहा। जय श्री समर्थ, जय श्री समर्थ, गुणगान करता करता जा रहा। मेरा राम समर्थ, मेरा श्याम समर्थ, जय श्री समर्थ, जय श्री समर्थ। जब जा जा जा, मेरा दत्त समर्थ, मेरा राम समर्थ, मेरा दत्त समर्थ, मेरा राम समर्थ, जय श्री समर्थ, जय श्री समर्थ। समर्थ जी का नाम लेता लेता भिक्षा मांगने चेला चल गया। और भिक्षा मांगते मांगते एक दरवाजे पर पहुंच गया। उसको नहीं मालूम था कि ये किसी तांत्रिक का दरवाजा है, उसको नहीं मालूम कि ये दरवाजे पर से भिक्षा नहीं मिलेगी। अच्छा, भिक्षा मांगने वालों का भी बड़ा भाव होता है, कोई दे चाहे नहीं दे पर मान तो लेता है। एक गुरु और चेले दोनों एक अम्मा के घर भिक्षा मांगने जाते थे। माता जी के दरवाजे पर जाकर कहते, माता भिक्षा दे। और माता कभी उनको भिक्षा नहीं देती और गाली पे गाली सुनाती, आ गए खोल ले मांगने के लिए भिखारी, मस्तुंडे हो रहे हैं, खा खा के और मांगने आ जाते हैं। अब अम्मा तो आई तो खूब गाली दे। अब इतने में चेला गुरुजी से बोला, गुरुजी इसके यहां मांगने मत आया करो, ये खूब गाली देती, कभी जिंदगी में कुछ देती ही नहीं है। आज तक इसने कभी अठन्नी दी, कभी आटा दिया, कभी चावल दिया, कभी गेहूं दिया। गुरुजी बोले, कौन कहता है नहीं देती, गाली तो देती, कुछ तो दे रही है ना। नहीं देती तो बात दूसरा था, भले वो गाली दे पर दे तो रही है, कुछ भी दिया। गुरुजी ने अपने चेले से कहा, जरा मालूम करो कि इसको इतना गुस्सा क्यों आता है, आखिर इसके मुंह पर गाली क्यों रहती है, आखिर इसको क्रोध क्यों आता है, ये सीधी आवाज बात क्यों नहीं करती, जरा पता करो। अब एक चेले ने जाके मालूम करा तो बताया, गुरुजी इसके घर में बहू के छोरा छोरी नहीं है, ये दादी नहीं बनी है, इसके घर में कोई पोता पोती नहीं है, इसलिए ये गुस्से में गालियां ही गालियां देती है, और कोई संत इसका भला ही नहीं करता, इतने मंदिर देवालय जाती, इतने तीर्थ जाती, पर कभी इसके घर में छोरा छोरी नहीं आया, पोता पोती नहीं आया, ये दादा दादी। बड़ी गुस्सा। अब गुरु और चेला फिर मांगने चले गए, और आज जैसे ही मांगने गए फिर आवाज दिया, माता भिक्षाम देही, माता भिक्षाम देही। अम्मा को फिर अम्मा ने गाली बकी और माता फिर बोली, आ गए खोड़े मांगने के लिए भिखारी, माता भिक्षाम देही। इतने में माता जी तो लगा रही थी पोता एक कपड़े से, और पोता लगाती लगाती इसको आई गुस्सा कि जाना है किन जरा यहां से, माता भिक्षाम देही। इतने में माता जी को गुस्सा आया और माता जी ने पोता उठा के संत की छाती पे मार दिया, ले खोल ले ले। अब संत की छाती पे जो पोता पड़ा, इतने में संत ने उस पोते को उठा लिया और उठाकर चले, और चलते चलते बोले, माँ जिंदगी में तेरे दरवाजे से पहली बार कुछ मिला और वो भी पोता मिला, इसलिए जा तेरे घर में भी पोता हो जाए।
मेरा आशीर्वाद है, कम से कम तुमने कुछ दिया तो सही। शास्त्र कहता है हम जब अपने हाथों से कुछ प्रदान करते हैं तो हमारा वंश अपने आप बढ़ने लगता है। महाराज उसने केवल एक पोता दिया और पोता देने से उसके घर में, अरे बोलो तो जम के पोता। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे यहाँ कोई आए तो तुम भी पोता मार दो, है नहीं तो बलगांव वाले तो सोचे गुरुजी बोल के गए सीओर वाले, अपन तो पोता चाहिए तो पोता मार दो खींच खींच, ऐसा नहीं है। संत का चेला जा रहा है, समर्थ कहो समर्थ कहो जय राम, समर्थ समर्थ कहो ओ समर्थ कहो जय समर्थ कहो जय राम, जय समर्थ कहो शिष्य। आज उस तांत्रिक के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए चले गए, आवाज लगाकर कहा महाराज जी भिक्षा दे, हमको भिक्षा चाहिए। जय समर्थ जय समर्थ जय समर्थ जय समर्थ जय समर्थ आवाज लगाई, और जैसे ही आवाज लगाई जय स्वामी समर्थ जय स्वामी समर्थ, अंदर से तांत्रिक ने विचार करा मेरे दरवाजे पर आकर ये दूसरे का गुणगान गा रहा कौन है दरवाजे पर, कौन है दरवाजे पर, कौन है दरवाजे पर, बोले जय समर्थ जय समर्थ। तांत्रिक ने कहा मेरे दरवाजे पर आकर फिर कोई दूसरे का नाम लेगा, दुनिया के लोग मेरा गुणगान करें तो चलेगा, पर ये समर्थ कौन। जय स्वामी समर्थ। फिर बोले इतने में तांत्रिक को क्रोध आ गया और तांत्रिक बाहर आकर बोला समर्थ समर्थ कह रहा है, देखूं तेरे समर्थ में कितना दम है, श्राप देता हूं तुझको कल सूर्य अस्त सूर्य उदय होते हुए जैसे ही प्रातः का सूर्य प्रकाशित होगा और तेरे प्राण छूट जाएंगे तो मर जाएगा, मेरा श्राप है तुझको।
पूरे नगर में सब दूर बात हो गई, पूरे नगर में बात हो गई कि कल ये समर्थ का चेला मर जाए, कल ये समर्थ का शिष्य मर जाए। पूरे नगर में बात हो गई कि ये समर्थ का शिष्य कल मरेगा, सुबह का सूर्य ये नहीं देख पाएगा। समर्थ के पास में भिक्षा मांग कर शिष्य आ गए और स्वामी समर्थ जी ने पूछा, बेटा भिक्षा लिया है? हाँ गुरु जी, ले तो आया हूं पर आज भिक्षा में अपनी मौत भी मांग कर लाया हूं। गुरु जी आज भिक्षा में मेरी मृत्यु भी मांग कर लाया, मुझे एक तांत्रिक ने श्राप दिया है कि कल का सूर्य उगते हुए नहीं देख सकता, कल सूर्य प्रकाशित होगा मैं मर गया। गुरु जी बोले, घबरा रहा है? गुरु जी घबराहट तो होगी ना, कल मरने वाला। तो गुरु जी बोले, घबराने की क्या जरूरत है, मरना तो एक दिन है, यही अच्छा है कि कल का दिन निश्चित हो गया। समर्थ कह रहे हैं, स्वामी समर्थ कह रहे हैं कि मरना तो सबको है। कलकत्ता में कहा था, राजा परीक्षित को 7 तालों में बंद कर दिया, कांच के महल में बंद कर दिया तो भी मरना, बादाम खाओगे तो भी मरोगे और नहीं खाओगे, अरे बोलो तो बलगांव की जीजी अच्छे से बोलो, तो भी मरोगे। कोई कह रहा था गुरुजी, कोई राम भजेगा तो भी मरेगा, नहीं भजेगा तो भी मरेगा, कोई शिव पुराण सुनेगा तो भी मरेगा, नहीं सुनेगा तो भी मरेगा, कोई मंदिर जाएगा तो भी मरेगा, नहीं जाएगा तो भी मरेगा, कोई कथा में जाएगा तो भी मरेगा और कथा में नहीं जाएगा तो भी मरेगा, कोई कीर्तन करेगा तो भी मरेगा और कीर्तन नहीं करेगा तो भी मरेगा। तो फिर कीर्तन करेगा, फिर हम कथा में जाए काहे को, फिर हम मंदिर क्यों जाए, फिर हम तीर्थ क्यों जाए, जब मरना ही है तो फिर तीर्थ जाने से लाभ क्या, कीर्तन करने से मतलब क्या। तो उसका सीधा सीधा बात है भैया, बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़कर साथ घर लेकर जाती है और वही बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है तो लहू लुहान कर देती है। बस अंतर इतना है, जो मंदिर जा रहा है, जो सत्संग में जा रहा है, जो तीर्थ जा रहा है, जो कथा में जा रहा है, वो मृत्यु के मुख में आएगा तो सरी, पर बिल्ली के बच्चे जैसा बचकर निकल जाएगा। पर जो कभी तीर्थ नहीं गया, जो कभी सत्संग में नहीं गया, जो कभी कथा भागवत में नहीं गया, जो कभी भगवत भजन में नहीं गया, वो चूहे के बच्चे की तरह मर जाए, लहू लुहान हो जाए, रक्त में सन जाए। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो बादाम खाएगा वो भी मरेगा, जो नहीं खाएगा अरे बोलते जाओ वो भी मरेगा, जो भजन करेगा वो भी मरेगा, जो नहीं करेगा वो। बस अंतर इतना है, तुम बिल्ली के बच्चे जैसे बचकर काल के मुंह से निकल जाओगे और बेकुंठ चले जाओगे। और जिसने कभी भगवत भजन नहीं करा, कमा 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 जोड़ 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 आखिरी में यही छोड़ा, बांध के ले गए क्या? अरे बोले तो सर नहीं, कोई बन रहा है। किसी के मरने के बाद 3 चीजें उसके ऊपर फेंकी जाती है राम नाम सत्य के, एक फूल यहां फेंकते कि नहीं फेंकते, राम नाम, अरे बोलो जम के सत्य, फिर उसी में रहते मखाने, इधर फेंकते कि नहीं फेंकते, फेंकते राम नाम, और तीसरा खुला पैसा, राम नाम सत्य। किसी ने पूछा, गुरुजी ये 3 चीजें क्यों फेंकते हैं? तो भैया गरुण पुराण में लिखा है कि पुष्प इसलिए फेंका जाता है क्योंकि श्रद्धांजलि के लिए, मखाना इसलिए फेंका जाता है कि मखाना फूला रहता है, ऐसे पूरा घर फूला हुआ छोड़कर जा रहा है। पैसे क्यों फेंके जाते हैं? तो हमने कहा भैया पैसे गरुण पुराण में नहीं लिखे, पर मैं अपने मन से कह सकता हूँ पैसा इसलिए फेंकते होंगे कि पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा ले, राम नाम सत्य है, उसी की छाती पे उसी की औलाद पैसा पटक रही है। और यहाँ छाती पे 1 का कलदार, 2 का कलदार, 8-8 बजे से दुकान खोलता था सुबह, रात को 10-10 बजे तक बंद करता था, 1 मिनट नहीं मिली सत्संग में जाने की, 1 मिनट नहीं मिला कथा में जाने का, 1 मिनट नहीं मिला भगवान का भजन करने का। तो भगवान ने कहा, तेरी औलाद तेरी छाती पे पैसा फेंकेगी और तू उठा नहीं सकेगा, छाती पे पड़ा रहेगा और तू कल्ला ठक धरा रहेगा।
कभी किसी मुर्दे ने पैसा उठाया? अरे बोलो तो। नहीं, कम से कम इस चीज की तो तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए कि कम से कम हम कथा में जा रहे हैं। अंतिम बिंदु, शास्त्र कहता है जोड़ जोड़ के अम्मा मर गई, फोटो उनका टंग गया जी। आखिरी में जो मर जाता है उसका फोटो, अरे बोलो जम के, टंग जाता है। अच्छा, पूरी जिंदगी भले कोई रोकर भी मरे ना, कई लोग होते रो रो के मर जाते हैं, हमारे तो कुछ नहीं, हमारा तो जिंदगी ना रखो। अच्छा, पूरी जिंदगी जो रो रो के भी मरते हैं ना, उनका जो फोटो टंगता है ना, वो स्माइल के ही टंगता है। वो रोता हुआ नहीं टंगता, वो उसमें स्माइल रहती है। भले तुम पूरी जिंदगी रो, पर फोटो में तो स्माइल रहेगी रहेगी, भले तुम मरने के बाद स्माइल देना ही पड़ेगी। वो मरा हुआ व्यक्ति का फोटो देखना, तुम वो स्माइल में मिलेगा, हमेशा मुस्कुराता। और किसी किसी के घर में तो 16 श्राद्ध में खीर और पूड़ी उसमें चिपकी रहे और वो स्माइल, पूड़ी चिपकी है, वो क्यों मुस्कुराती है? वो डोकरी जो मर जाती है, वो क्यों? वो बुढ़ी जो मर गई, वो क्यों मुस्कुरा रही है? वो इसलिए मुस्कुराती है कि हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, यही टंगा है, और तुम भी जोड़ जोड़ के मर जाओगे, यही टंगा। घर में दीवार पे तुम्हारा भी फोटो मेरे बाजू में आके टंग जाएगा। इसलिए मौका मिला है बलगांव में सिक्ची रिसोर्ट में, 7 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो और भगवान का भजन करो। नहीं तो एक दिन स्माइल वाला फोटो तो जोड़ा जोड़ा कितने दिन होते हैं महीने भर में? 30। अलमारी में साड़ी कितनी है? जम के बोलो कितनी? 100। दिन कितने? 30। साड़ी कितनी? 100। कई कई साड़ियों का तो नंबर तक नहीं आता कि पहनेंगे कब। अब ईमानदारी से बोलो, इतनी सारी साड़ियां धरी की धरी रह जाएगी, ऊपर जाके कितना पछतावा होगा, मैंने हरे कलर की तो पहनी नहीं, ऐसी कैसी धरी की धरी रह गई, इतना पछतावा। सब जाएगा जब यहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिवास। इसीलिए शायद शिव पुराण समिति ने कथा करवाई है कि तुम्हारे अलमारी में जितनी साड़ी रखी है, एक एक दिन में अच्छी अच्छी पहन के कथा में आओ, चक्कर में मत पड़ो। एक पति और पत्नी घूमने के लिए गए बेंगलोर। पत्नी ने पति से कहा, यहाँ पर मुझे एक फॉक्सेट अच्छा लग रहा है, ले लूं? पति ने कहा, ले ले, बहुत महंगा है, ले ले। कितने का? 80,000 का। ले ले, पत्नी ने ले लिया। पति ने कहा, पहन ले, अभी मौका आन दो, बेटे की जब देवर के लड़के की शादी होगी तब पहनूंगी, अभी काहे को पहनूं, मौका आन दो। ठीक है, आ गए। आज दोनों की शादी की सालगिरह थी, पति ने कहा, पहन ले, नहीं अभी नहीं, मौका आन दो तब पहनूंगी। जन्मदिन आ गया, आज पहन ले, तेरा बर्थडे, नहीं मौका आन दो तब पहनूंगी। मौके को ढूंढते ढूंढते भगवान ने लगा दिया चौका, मिल गया, निपट गया। अर्थी पे सो रही थी, उसको बांध रहे थे, पति अंदर रोता रोता गया, 80,000 का हाफ सेट लेकर पत्नी को पिनाने लगा। दोस्तों ने कहा, पागल हो गया, इतना महंगा हाफ सेट उसको क्यों पिनाना है? मैं इसको हमेशा कहता था, पहन ले पहन ले पहन ले, ये हमेशा कहती थी, मौका आन दो मौका आन दो मौका आन दो, जैसे इसको मालूम था कि खूब जिएगी। ले, भगवान ने लगा दिया चौक, आगो मौका। बस ये उसकी कथा नहीं, ये अपनी कथा है। ऐसी प्रेस करी कराई धरी अलमारी में, मौका 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 दो, और मौके के चक्कर में एक आध दिन लग गया नहीं चौका। फिर बहू भी मरने के बाद अर्थी पे वही साड़ी पहनाएगी जो किसी काम की नहीं, मौके वाली तो धरी की धरी धरी।
अंदर जाके बहुएं भी सोचेंगी कौन सी पिनाना है मम्मी को जा रही है। तब तब जेठानी ने वो निकाली देवर इतनी अच्छी मच्छी ना बेकार वाली पिना देना देखो। और तुम जिंदगी भर मौका ही ढूंढते रहे। समर्थ रामदास जी की कथा कह रही है स्वामी समर्थ की। और स्वामी समर्थ अपने शिष्य से कह रहे हैं कि मौके की तलाश मत कर, मरना सबको है। स्वामी समर्थ कहते हैं कि जिंदगी सबकी जाना है, मृत्यु सबकी आना है, इसलिए अपनी जिंदगी में इतने प्रसन्न चित्त में जियो कि लोगों को भी लगने लगे कि बताओ इतना इसको तकलीफ है, इतना कष्ट है, इसके बाद भी इतनी प्रसन्न क्यों है। लोगों को अंदर से जलन होने लगे कि इतनी प्रसन्न क्यों है, इतना तकलीफ होने के बाद भी इतनी प्रसन्न क्यों। कोई गाली दे तुम अलमस्त रहो, वो लोग जितना जितना ताना दे तुम उतनी खजूर वाली चोटी बना के जाओ उतनी। कोई तुमको अपशब्द के तुम भगवत भजन के आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। संत नामदेव जी की कथा कहती है, नामदेव जी महाराज के घर में आग लग गई। और नामदेव जी महाराज के घर में जब आग लगी, गांव के लोगों ने नामदेव जी का एक कम्बल एक दरी दोनों पचाली, बेचारा ठंड में क्या ओढ़ेगा। नामदेव जी आए, घर तो जल रहा था झोपड़ा। लोगों ने कहा नामदेव जी आज तुम्हारे घर में आग लग गई। नामदेव बोले आग लग गई हाँ। और जो नामदेव जी ने जाकर देखा तो घर जल रहा था। नामदेव जी ने दूसरा दरवाजा भी खोल दिया दूसरे कमरे का, आओ प्रभु आइए ना, आज अग्नि देवता के रूप में आप आए हो, ले प्रभु घी के डब्बे और फेंक दिए, ले प्रभु अंदर आइए। लोगों ने कहा नामदेव जी हमने दरी और कम्बल बचा लिया ठंड का समय। नामदेव जी बोले काय को बचाए, लाओ दे वो भी ले जाके अग्नि में डाल दिया, ले प्रभु ये भी ओढ़ लो। गांव के लोगों ने कहा कैसा पगला है, कितना पागल है ये मूर्ख, ठंड का समय में क्या पहने गए। गांव के लोगों ने कहा नामदेव को एक भी कम्बल और चद्दर कोई मत देना रात को, जब ठंड में मरेगा ना मालूम पड़ जाएगा। नामदेव जी रात को एक आम के पेड़ के नीचे कुकड़ के सो रहे थे। भगवान को लगा मेरा भगत नामदेव अग्नि के रूप में भी मेरा दर्शन कर लिया, तो क्यों ना आज मेरा फर्ज है कि नामदेव का भला करूं। जो भगवान के भरोसे रहता है भगवान उसका कल्याण खुद कर देता है महाराज, कहना नहीं पड़ता उसके भरोसे। नामदेव जी महाराज तो सो रहे थे, भगवान ने आकर नामदेव जी का सुंदर झोपड़ा बना दिया, घर बना दिया, मकवल की गादी, मकवल का तकिया, मकवल की रजाई उड़ा दी, नामदेव को सुना दिया। सुबह सुबह गांव के लोग चले, चलो देखे नामदेव महाराज की जिंदा। सारे गांव के लोगों ने जाकर देखा तो नामदेव जी का तो सुंदर घर बना, बड़ा सुंदर घर। लोगों ने नामदेव जी को जगाकर पूछा क्यों तुम्हारा रिश्तेदार आया था, नामदेव जी बोले हाँ तुम्हारे रिश्तेदार ने तो बहुत सुंदर घर बनाया नामदेव, एक आध घर हमारा भी बनवा दो। नामदेव ने कहा लगाओ आग अपने घर में, तुम आग लगाओ वो बना के जाएगा पक्का है। भगवत भजन स्वामी समर्थ की कथा कहती है, रामदास जी की कथा कहती है। स्वामी समर्थ कहते हैं कि मरना सबको है, मृत्यु सत्य है और मृत्यु आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, पर उस मृत्यु को आने से पहले कुछ कर्म ऐसा कर जाओ कि दुनिया के लोग आपको याद रखें, नहीं तो खुद खाओ खा खा के जोड़ जोड़ के चले जाओ, कौन याद रखे। अरे बोलो तो सर कोई याद रखेगा, आज कम से कम बलगांव वालों ने ये सिक्ची रिसोर्ट में शिव महापुराण की कथा करी तो बलगांव के लोग आसपास के लोग याद तो रखेंगे कि हमारे बलगांव में भी शिव महापुराण की कथा हुई थी और कोई ने कराई थी। कोई मुख्य यजमान ये जीजी भाई बन गई, कोई कुछ रूप में कोई यजमान बन रहा है, कोई कुछ रूप में बन रहा है, ये प्रभु की कृपा है कि आपको मौका मिला है, भगवान ने बनाया है। रखा सबके पास में, एक बार बताएं धन की कमी किसी की यहां नहीं है, सबको भगवान ने दिया है, पर अगर नहीं दिया ना किसी को तो भगवान मन देना भूल गया। धन तो बहुत देता है भगवान पर मन नहीं दे पाता।
खुद के बेटे की शादी करेगी तो लाखों रुपए खर्च कर लेगी, बेटी का विवाह करेगी तो करोड़ों रुपए खर्च कर लेगी, किटी पार्टी करेगी तो हजारों रुपए खर्च कर लेगी, महिला संगीत करेगी तो हजारों लाखों रुपए खर्च कर लेगी, एक जन्मदिन करेगी तो हजारों रुपए खर्च कर लेगी, पर जब दान धर्म पुण्य सत्कर्म करने का मौका आता है तो लोग पीछे हट जाते हैं। धर्म किटी पार्टी साथ जाएगी, अरे बोलो तो सुनो, जिस छोरे का ब्याह करा शादी में कितना खर्चा करा वो साथ जाएगा, अरे बोलते जाओ, नहीं। बेटी का संबंध करा कितना खर्चा करा वो साथ जाएगा, नहीं। साथ जाएगा आपका किया हुआ सत्कर्म, साथ जाएगा आपका किया हुआ भजन, साथ जाएगा आपका किया हुआ दान, साथ जाएगा आपका पुण्य, जो आप कर रहे हो, जो आप कथा सुन रहे हो, ये आपके साथ जाएगा, कोई दूसरा ले। कई लोग कहते हैं मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा, पर शिव पुराण कहती है कि मुट्ठी बांधे आया जग में पर हाथ पसारे नहीं जाएगा, लेकर जरूर जाएगा, क्या जो तूने कथा सुनी है शिव महापुराण की, जो तूने दान करा, जो तूने पुण्य करा, जो तूने सत्कर्म करा, जो तूने गरीब को भोजन कराया, भूखे को भोजन कराया, गौ माता को चारा दिया, वो तेरे साथ जाएगा, वो कोई दूसरा लेकर नहीं जाएगा, तेरा पुण्य तेरे साथ है, तेरा आनंद तेरे साथ है, तेरा सत्कर्म तेरे साथ है, तुम्हारा क्या। मनुष्य का शरीर केवल इसलिए नहीं मिला, स्वामी समर्थ कहते हैं कि केवल पेंटिंग पेंटिंग कर लो, अच्छे कपड़े पहन लो, खूब खा लो पी लो, समर्थ कहते हैं श्री स्वामी समर्थ ने कहा अलमस्त रहो, मुख में हो राम नाम राम सेवा, हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में जिंदगी की बागडोर, हाथ दीना नाथ के वो मेलो में राखे, चाहे झोपड़ी का बास दे, धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए, और जाई विधि राखे बाबा ताई विधि रही, महलों में राखे चाहे झोपड़े का वास दे, उसकी मर्जी वो जैसा दे उसमें प्रसन्न रहे। स्वामी समर्थ कर रहे कि तू रो रहा है, स्वामी समर्थ अपने शिष्य से कह रहे इतनी सी बात के लिए रो रहा है कि तू कल मरने वाला, काय की चिंता करूंगा, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में, अब सोचना क्या है, जब छोड़ दिया तो फिर क्या, फिर सोचो क्या, रुक्मणी जी ने पत्र लिखा था इसी विदर्भ से, इसी विदर्भ से, आप विदर्भ के हो ना, रुक्मणी जी के मायके वाले, इसी विदर्भ, किसको लिखा था, द्वारकाधीश, और क्या कहा था, ये पत्र ब्राह्मण देवता भगवान को दे देना और भगवान से कहना मैं बांट दूंगी। अब रुक्मणी को पत्र भगवान को ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण ने भगवान को दिया, ये रुक्मणी का विश्वास कितना प्रबल था कि जगदम्बा के मंदिर में, अंबा के मंदिर में रुक्मणी खड़ी रही, पीछे पलट कर नहीं देखा कि भगवान आया कि नहीं आया, क्योंकि विश्वास इतना प्रबल था कि मैं मंदिर तक आ गई हूँ, अब उसकी मर्जी है वो मुझे लेने के लिए, ये उसको मत। और क्या कहा रुक्मणी, सुनो सुनो लगे मने ते, रुक्मणी कहती है ये विदर्भ मुझे ठीक नहीं लग रहा,
सुनो सुनो लगे मने दे मुझे तेरे पास बुला लेना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। मैं तो द्वार द्वार पर हारी पर सब कोई मिलते भिखारी। एक दाता द्वारिका नाथ मुझे तेरे पास बुला लेना। सुनो सुनो लगे मने दे सुनो सुनो लगे मने दे प्रभु तेरे पास बुला लेना। सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। मुझे कुछ भाए हमारे मन की प्रबलता हमारे मन की दृढ़ता हमारी भक्ति की प्रखरता कहती है स्वामी समर्थ कर रहे हैं कि तुझे डरने की क्या जरूरत है, अब छोड़ दे भगवान के भरोसे। शिष्य कह रहा है गुरुजी कल मरना है, मैं भूल भी जाता हूं फिर याद आ जाता है कि कल मरना। स्वामी समर्थ कहते हैं तो कल मरना है तो एक काम करना, खूब सेवा कर, खूब दान कर, खूब पुण्य कर, खूब सत्कर्म कर। तो गुरुजी भिक्षा में तो गेहूं इतना सा मिला है, उसमें दो रोटी बनेगी एक आपकी एक मेरी, अब उसमें से भी दान कर दूंगा तो भूखा कौन रहेगा। स्वामी समर्थ ने कहा दान करना जरूरी है, मरने से पहले भी कुछ दान कर जा। स्वामी समर्थ राजा कर्ण की कथा अपने शिष्य को सुनाने लगे, स्वामी समर्थ अपने चेले को राजा कर्ण की कथा सुनाते हैं कि राजा कर्ण की परीक्षा लेने के लिए अंतिम समय में भगवान जब वो मरने जा रहा था तब मेरे कृष्ण उस कर्ण के सामने जाकर खड़े हो गए और राजा कर्ण से कहा कर्ण मुझे कुछ दान दे दे मरने से पहले। राजा कर्ण ने कहा मैं क्या दान दूं प्रभु, अभी तो मेरी खुद हालत खराब है, मैं जमीन पर पड़ा हूं, मृत्यु के घाट पर पड़ा हूं, मैं क्या दान दूं, राजन कुछ तो दान दे दे। तब राजा कर्ण ने कहा भगवान कृष्ण से एक काम करो, मेरी दाढ़ मेरा एक दांत सोने का है तुम निकाल लो। कौन कह रहा है? अरे बोले जम के राजा कर्ण कह रहा है मेरा एक दांत सोने का निकाल लो। भगवान बोले मैं काय को किसी का दांत तोड़ू, मैं काय को दांत तोड़ू हर किसी का, हम यही काम करने के लिए पैदा हुए कि लोगों के दांत ही तोड़ेंगे, हमें नहीं तोड़ना, देना हो तो दान दो नहीं तो हम तो किसी का दांत मात नहीं तोड़ते। कर्ण ने पत्थर को उठाया, उठाकर अपने मुंह पर मारा, मारते से दांत टूट के नीचे आ गया, सोने का दांत निकल कर बाहर। ये लो महाराज, भगवान ने कहा हम ऐसा दान मान नहीं लेते जो रक्त में सना हुआ, खून लग रहा है उसमें, ऐसा दान कौन लेगा, ब्राह्मण भी रक्त में सना हुआ दान नहीं लेता तो हम काय को ले। भगवान बोले ऐसा दान नहीं चाहिए। राजा कर्ण ने पत्थर से जिस दांत को तोड़ा था उसी पत्थर को आकाश में फेंक दिया, फेंका मेघ देवता को लगा, मेघ देव ने जलवृष्टि कर दी, दांत धुल गया, पानी में दांत धुला और धुलकर भगवान को दिया, लो भगवान ले ये लो सोने का दांत। भगवान ने सोने का दांत लिया, कर्ण मर गया, मरने के बाद ऊपर गया, ऊपर गया तो सोने की कचौड़ी खाने को मिले, सोने की इमरती खाने को मिले, सोने की बालूशाही, सोने की रबड़ी, सोने की पूड़ी, सोने का भजिया, सोने का मंगोड़ा, सोने की इमरती, सोने की जलेबी, सोने की खीर। कर्ण के भैया मुझे अन्न दो अन्न, इतने में तुरंत धर्मराज कहते हैं तूने सोना इतना दान करा, अंतिम समय में कृष्ण तेरे पास में आया यही सोचकर कि मरते मरते अन्न दान कर देगा तो अन्न मिल जाएगा, पर उस समय पे भी तूने सोना दान कर दिया इसलिए तुझे सोने की कचौड़ी, सोने का रसगुल्ला, सोने की इमरती, सोने की बालूशाही मिल रही है। लिखा कर्ण रो पड़ा मुझे क्या खाऊंगा मैं, मुझे कुछ दिन दे दो। भगवान ने कहा जा मृत्यु लोक में वापिस जा, 16 दिन तुझे देता हूं। कर्ण को 16 श्राद्ध के 16 दिन दे दिए। कितने दिन? 16 दिन 16 श्राद्ध के दिए।
और कर्ण पृथ्वी पर आकर 16 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराता रहा, तब जाकर अन्न खाने को मिला। बड़े सौभाग्य का विषय है, 13 नवंबर से 17 नवंबर तक उज्जैन नगर में, महाकाल की पावन नगरी में, विशाल 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा एवं 84 महादेव के दर्शन की यात्रा का आयोजन रखा गया है। बिठले सेवा समिति द्वारा इस पावन आयोजन में 5 दिवस में 84 महादेव का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाए। उज्जैन नगर ही एक ऐसा नगर है जहाँ पर महाकाल बाबा अपनी बहन छिप्रिया के साथ में विराजमान है। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए महाकाल बाबा ने यहाँ पर 84 रूप रखे हैं। पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर केवल एक जगह ऐसी है जहाँ पर 84 महादेव के रूप में भगवान शंकर उज्जैन नगरी में विराजे हैं, छिप्रा के तट पर। इस पूरी पावन आयोजन में आप सब परिवार आयोजन में पधारें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ऐसा पुनीत आयोजन पूरे विश्व में पहली बार 84 महादेव की परिक्रमा, दर्शन और यात्रा का कथा का रखा गया है। इसका शुल्क मात्र 2100 रुपये है 5 दिवस का, जिसमें रहना, भोजन, चाय, नाश्ता और 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज यात्रा के लिए रखा गया है। आप सभी इस पावन आयोजन में पधारें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। 13 नवंबर से 17 नवंबर तक सभी को जय श्री कृष्ण।